हे गाइस, क्या हाल है, कैसे सब? आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा आपकी लाइफ में. एंड गाइस, आज की वीडियो बिल्कुल भी मॉन्टाज नहीं है, बिल्कुल भी फ्रैग मूवी नहीं है, बिल्कुल भी हाइलाइट्स नहीं है, जो बेसिकली मैं नॉर्मली डालते रहता हूँ मेरे चैनल पे. सो ऐसा कुछ भी नहीं गाइस, आज कुछ वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है. ओके, सो यप, शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ. एंड गाइस, आज कुछ ज़्यादा टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ. सो गाइस, मेनली बता दूँ ये वीडियो किस बारे में. ओके, सो गाइस, बेसिकली ये वीडियो गाइस मेरे बारे में है, आपके अपने डायनामो के बारे में, डायनो के बारे में, डीनामो के बारे में, या जो भी आप मुझे बुलाना चाहो. काफ़ी लोग कुछ भी बुलाते रहते हैं. सो गाइस, ये वीडियो बेसिकली मेरे बारे में. ओके, सो यप, तो गाइस वैसे बता दूँ, ये वीडियो गाइस किसी भी क्रिएटर या किसी भी यूट्यूबर के अगेंस्ट में या उसके वीडियो के रिप्लाई वीडियो में जो लोग फालतू कॉन्ट्रोवर्सी बनाते रहते हैं, ऐसी कुछ भी नहीं है. ठीक है, ये बस वीडियो मैं अपने लिए बना रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ. एंड वो सब कॉन्ट्रोवर्सीज, वो सब चीज़ों में पढ़ना मेरा टेस्ट नहीं है, मेरे पास इतना फालतू टाइम भी नहीं है. सो यप गाइस, शुरू करते हैं. एंड बाय द वे गाइस, ये जो आइडिया है, ये आइडिया बहुत बहुत पुराना आइडिया गाइस, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा पुराना आइडिया है. बिकॉज जब चैनल पर जब 10,000 सब्सक्राइबर्स हुए थे, तब मैंने किसी एक स्ट्रीम पे अनाउंस किया था कि मैं अपनी एक लाइफ स्टोरी, छोटी सी लाइफ स्टोरी जो है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा. एंड आपको बताऊँगा कि कैसे मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आया, कैसे मतलब जो भी बेसिकली, इसको आप एक छोटा सा एक लाइफ स्टोरी वीडियो भी बोल सकते हो. ओके, सो या गाइस, शुरू करते हैं हमारा पहला पॉइंट. तो गाइस, बेसिकली आप जानते हो डायनामो को. ओके, आप जानते हो ऑनलाइन 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 वर्ल्ड कह लो, ऑनलाइन वर्ल्ड यूट्यूब प्लेटफॉर्म. आप जानते हो डायनामो को कौन है, क्या करता है, गेम खेलता है, कौन सा गेम खेलता है, ये सब चीज़ें लाइक आप जानते हो, राइट? एंड आपको बता दूँ गाइस, डायनामो जो कैरेक्टर है, उसके पीछे की कहानी, उसके पीछे जो बंदा है रियल लाइफ में, तो मतलब रियल लाइफ में मैं कैसा हूँ, रियल लाइफ में कौन हो, मतलब कौन है डायनामो. ओके गाइस, ये बेसिकली उसी इंसान की स्टोरी है. ठीक है, सो या गाइस, मेरा नाम आदी है, आदित्य सावंत है. मैं एक मराठा हूँ, मराठी फैमिली से बिलोंग करता हूँ. सो शानो कोड़ी मराठा, मतलब काफ़ी लोग को पता होगा, काफ़ी लोग को शायद नहीं पता होगा. तो या गाइस, बेसिकली ये सब सीन है. एंड काफ़ी लोग मुझे बचपन से आदि बोलते आ रहे हैं, तो इसलिए मैं सबको आदि ही बोलता हूँ. मुझे भी आदत पड़ गई है आदि सबको बोलने की. तो या गाइस, ऐसा कुछ है. एंड सीन ऐसा है कि मैंने गेमिंग स्टार्ट किया था 6th स्टैंडर्ड पे. ओके, उसकी कहानी है छोटी सी जो आपको बता देता हूँ. सो बेसिकली क्या हुआ था कि मेरे स्कूल से करीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर एक एरिया हुआ करता था. उस एरिया में वो दुकान थी, एक छोटा सा गराज, गराज नहीं कहते उसको, एक छोटा सा लाइक एक छोटी सी शॉप थी, एकदम छोटी सी शॉप जिसमें मान लो शायद तीन चार टीवी आ जाए, जिसमें है ना टेबल, एक बड़ा टेबल उसमें 3-4 टीवी और बस नीचे चेयर, ऐसी छोटी सी शॉप थी. ठीक है, सो वहाँ पे कुछ लोग, मतलब वहाँ पे हम लोग खेलते थे, बेसिकली ये स्टोरी है. ठीक है, तो मैं वहाँ तक कैसे पहुँचा मैं आपको वो बताता हूँ. हम लोग बेसिकली स्कूल के बाद हम लोग ऐसे घूमा करते थे, सैटरडे का टाइम था, सैटरडे में हमारी स्कूल जल्दी छूट जाती थी एंड हम लोग बस घूमते रहते थे यहाँ वहाँ. ठीक है, बचपन में तो एक बार ऐसे ही मैं उस शॉप के आगे से जा रहा था, मैं और मेरा एक फ्रेंड, एंड हमने वहाँ पे देखा कुछ लोग चिल्ला रहे थे, कुछ लड़के थे जो खेलते थे ना, वो चिल्ला रहे थे टीवी को देख देख के. तो मैंने बोला, अरे टीवी को देख के क्यों चिल्ला रहे थे ना? तो उस टाइम गाइज मैंने देखा कि वो लोग ना गेम खेल रहे थे कुछ वहाँ पे. अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कौन सा गेम खेल रहे थे, बट वो लोग के हाथ में एक रिमोट था एंड वो लोग गेम खेल रहे थे. ठीक है, उस टाइम पे सो मेरे ख्याल से प्ले स्टेशन वगैरह होगा, उस टाइम पे प्ले स्टेशन पे खेल रहे थे वो लोग ऑब्वियसली, या फिर उस टाइम पे तो वाले गेम भी हुआ करते थे गाइज, जैसे कि टीवी पे जो गेम आते हैं, जो कॉन्सोल गेम हुआ करते थे, मतलब कैसेट वाले. ठीक है, वो कॉन्सोल में कैसेट लगाओ, फूक फूक के जो कैसेट जो गर्म होती थी, कैसेट बाहर निकालो, फूको, उसको अच्छे से ठंडी करो एंड फिर कैसेट लगाओ. तो वाले गेम भी हुआ करते थे गाइज, वाले गेम भी मैंने बहुत खेले. सो वाले गेम भी हुआ करते थे, वाले गेम भी लोग खेलते थे वहाँ पे. तो वहाँ पे कुछ लोग गेम खेल रहे थे एंड मैं बस वहाँ पे जाके खड़ा हो गया. मैंने सिर्फ देखने लगा और 10 मिनट तक मैं वहाँ खड़ा रह गया. तो मेरा दोस्त आया वापस, मुझे बोला चल चल, फिर हम लोग वहाँ से चले गए. ठीक है, फिर नेक्स्ट डे हम लोग वापस आए वहाँ पे. ओके, एंड नेक्स्ट डे आके हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे कुछ और लोग खेल रहे थे एंड हम लोग वहाँ पे वापस खड़े हो गए, देखने लग गए कि कैसे खेल रहे हैं, कैसे चिल्ला रहे हैं, कौन सा गेम खेल रहे हैं. एंड पता है जो देखने में बड़ा मज़ा आता था, मतलब एक कैरेक्टर है वहाँ पे, तुम खेल रहे हो उसके साथ एंड उससे तुम रिलेट कर पा रहे हो, उसको तुम बोल रहे हो अबे चल चल, अबे ये, अबे वो, मतलब नहीं क्या, मतलब काफ़ी मज़ा आता था. तो एक दिन गाइस क्या हुआ, अब मेरी मॉर्निंग की स्ट्रीम आ रहा है, अब मेरी मॉर्निंग की स्कूल हुआ करती थी 7:30 to 1:30, 12:30 के आसपास हुआ करती थी. ठीक है, ये मेरा स्कूल टाइमिंग था बचपन में.
तो एक दिन क्या हुआ, अब जैसे मॉर्निंग की स्ट्रीम है, सॉरी जैसे मॉर्निंग का स्कूल है, सॉरी जैसे मॉर्निंग का स्कूल है, तो ऑब्वियसली एकदम मॉर्निंग मॉर्निंग में तो आपको ब्रेकफास्ट नहीं मिलता था, जैसे ऑब्वियसली मुझे तो नहीं मिलता था, बिकॉज कौन इतने सुबह 6 बजे उठ के ब्रेकफास्ट बनाएगा रोज़, तो डेली तो नहीं मिलता था, कभी भी मिल जाता था बट डेली नहीं मिलता था। तो गाइस क्या होता था कि मेरे जो मॉम है, मेरी मॉम मुझे उस टाइम पर 5 रुपये दिया करती थी कि ये 5 रुपये है, स्कूल में कैंटीन है, कैंटीन में समोसा खा लियो, एंड 10:30 बजे ब्रेक हुआ करता था, 10:30 बजे समोसा वगैरह खा लियो, एंड 12:30 बजे तक छुट्टी हो जाती है, तो घर पे आके एकदम फ्रेश गर्मा गर्म खाना बन जाता था, तो खाना खा लेना। तो ऐसा शेड्यूल हुआ करता था गाइस मेरा बचपन में, तो जो 5 रुपये मुझे मिलते थे ना, वो 5 रुपये का मैं हमेशा समोसा वगैरह खाता था। एंड नेक्स्ट डे जब मैं वो गेम वेम देख के आया था, उस दिन जब मुझे 5 रुपये मिले थे, तो मुझे मैंने क्या सोचा, मैंने ना उस टाइम वो कैंटीन में मैंने समोसा नहीं खाया, ठीक है, मैंने मेरा ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया था, एंड वो 5 रुपये लेके मैं उस दुकान पे गया जहाँ पे वो लड़के खेला करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे बस मैं खड़ा रहा, एंड वहाँ पे वो मेरा थर्ड डे था एक्चुअली, तो अब उस दुकान के ओनर ने देख लिया, एंड वहाँ पे काफ़ी लड़कों ने देख लिया कि मैं तीसरा दिन मैं लगातार आके खड़ा रह रहा हूँ वहाँ पे देख रहा हूँ, तो वहाँ के दुकान के ओनर ने बोला कि तुझे खेलना है, तो मैंने बोला कि मुझे आता तो नहीं है बट आप बता दो कितने रुपये लगते हैं, कैसे खेला जाता है। तो उसने उस टाइम पे गाइस मुझसे 5 रुपये लिए थे वो, एंड 5 रुपये में उसने मुझे आधा घंटा दिया था, एंड वो आधे घंटे में गाइस मैंने कौन सा गेम खेला था मुझे याद नहीं है, बट इतना मैं डैम श्योर कि वो टीवी वाला गेम था, वो कॉन्सोल जो जिसमें कैसेट वैसेट लगाते हैं, जिस कैसेट में लिखा रहता है कि 1 1 1 2 9 9 9 9 9 9, इतने सारे गेम, लेकिन सारे गेम एक जैसे ही होते थे, ठीक है, वाला गेम लगा था, एंड वो वाला गेम मैं खेल रहा था वहाँ पे जाके, ठीक है। सो गाइस ऐसे कुछ शुरुआत हुई हमारी गेमिंग करियर की, गेमिंग पैशन की देखा जाए तो, पैशन ही कह सकता हूँ वैसे मैं, अभी मैं पैशन फॉलो करता हूँ वाला। तो गाइज ऐसा मैंने 3 साल किया, ठीक है, 3 साल तक गाइज मैंने 3 साल तक मैंने कैंटीन का नाश्ता नहीं किया, 3 साल तक मैंने मतलब मॉर्निंग का स्कूल का बेसिकली ब्रेकफास्ट जो होता है वो मैंने मिस किया, एंड 5 से 7 रुपये हुए, 7 से 8 रुपये हुए, 8 से 10 रुपये हुए, ऐसे करते करते गाइज 3 साल मैंने गेम खेले उस दुकान में जाके, ठीक है। सो फिर 10th स्टैंडर्ड वगैरह आ गया, थोड़ा पढ़ाई का सीन हो गया था, एंड 6th स्टैंडर्ड तक गाइस मैं बहुत पढ़ाई करता था, 6th स्टैंडर्ड तक मैं एक काफ़ी होशियार बच्चा था, होशियार लड़का था, बेसिकली ब्रिलियंट स्टूडेंट था, मुझे हमेशा 90% आते थे, 90 के ऊपर रहते थे हमेशा, हमेशा मतलब हमेशा 90 के ऊपर रहते थे, एंड जब से गेम वेम में घुसा तो थोड़ा बहुत लाइक परसेंटेज डाउन होने लग गए, थोड़ा बहुत लाइक कम होते गए, एंड अब कितने कम हो वो तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ गाइस इतना बता दूँ कि 10th स्टैंडर्ड में मुझे परसेंटेज आए थे 78%, 10th स्टैंडर्ड में 78-79 तक थे मेरे परसेंटेज, एंड 12th स्टैंडर्ड में गाइस मुझे आए थे कुछ 67%, ठीक है। सो मुझे पहले से इतना कुछ था नहीं पढ़ाई का, मुझे याद अच्छे से मैं ज़्यादातर पढ़ाई कर नहीं पाता था, 1 घंटा मेरे लिए मैक्स हुआ करता था, 24 घंटे में 1 घंटा पढ़ लो, वो भी सिर्फ पापा को दिखाने के लिए कि हाँ भाई मैंने पढ़ाई की है, अब मैं जाके टीवी देख सकता हूँ, अब मैं जाके कार्टून देख सकता हूँ, सिर्फ इस अब मैं जाके गेम खेल सकता हूँ, पतंग उड़ा सकता हूँ, सब बस यही कुछ रीज़न के कारण पढ़ाई करता था, बाकी और कोई रीज़न नहीं था मेरी लाइफ में कि मुझे मतलब स्कूल में फर्स्ट आना है। काफ़ी लोग होते हैं जिनको जिनके एम्स होते हैं, जिनके एम्बिशंस होते हैं कि यार मेरे को स्कूल में फर्स्ट आना है, ये सब चीज़ें करनी है, वो मेरा बिल्कुल कभी नहीं हुआ करता था, मुझे सिर्फ पास होना है इसलिए पढ़ाई करता था मैं, दैट्स इट, बाकी मेरा कोई एम नहीं हुआ करता था। तो या गाइस ऐसे ही कुछ हुआ, देन उसके बाद गाइस जब थोड़े बड़े हो गए तब मेरा कज़िन भाई है उसके पास, उसकी एक लैपटॉप की शॉप थी, शॉप नहीं थी मतलब वो घर से सेकेंड हैंड लैपटॉप लेना बेचना ये सब चीज़ें करता था, खरीदना बेचना, तो उसने मुझे गाइस उस मतलब हमारे घर पर एक लैपटॉप हुआ करता था डेल इंस्पिरॉन का, अब वो डेल इंस्पिरॉन कौन सा वर्जन था वो मुझे याद नहीं, लेकिन गाइस वो इतना पुराना था कि उसमें कोर टू डुओ पेंटियम था मेरे ख्याल से, कोर टू डुओ पेंटियम पता नहीं क्या था, लेकिन ऐसे प्रोसेसर हुआ करते थे, इतने पुराने प्रोसेसर हुआ करते थे, एंड उसमें लिटरली गाइस मैंने पहला गेम खेला था मेरे ख्याल से याद नहीं आ रहा है, बट वही जो अपन खेलते हमेशा IGI GTA YCT वगैरह ये सब जो पहले गेम हमेशा खेला करते थे वैसे ही मैंने गेम्स खेले थे, मेरे ख्याल से IGI खेला था मेरा सबसे पहला गेम, मैंने वही खेला था, ठीक है, एंड रोड रैश हो गया, रोड रैश वगैरह भी खेला करता था शायद PC में जब लैपटॉप में जब आया था मेरे भाई ने डाला था, एंड फिर हमने गाइस वो सब मैंने वहाँ से फिर लैपटॉप से खेलना स्टार्ट किया, एंड उस टाइम पे गाइस सबको बता दूँ मोबाइल वोबाइल कुछ भी नहीं था मेरे पास, आई थिंक था मेरे ख्याल से लेकिन पहले नहीं था, उस टाइम पे था शायद मेरे पास जब लैपटॉप आया था तब था आई थिंक सो, बट फिर जब 10th स्टैंडर्ड जब मैंने पास किया तो 10th स्टैंडर्ड में मुझे जो पॉकेट मनी मिला करती थी मैं वो पैसे बहुत सेव करता था, बहुत सारे सेव करता था, देन कभी कुछ त्यौहार में मिल गए, कभी कुछ फेस्टिवल में मिल गए पैसे, ऐसे पैसे मैंने जमा करते 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 गाइस मैंने एक फ़ोन लिया था जिस फ़ोन का नाम था नोकिया 6300,
एंड वो फ़ोन गाइज, अगर आपको एग्जांपल दो तो ये फ़ोन, अगर आपने दबंग मूवी देखी, दबंग मूवी में सलमान खान के पास है ये फ़ोन शायद, जो सिल्वर एंड रेड कलर का फ़ोन है जिसमें दोनों साइड में नोटिफिकेशन लाइट जलती है, वो फ़ोन मैंने लिया था। एंड वो फ़ोन में गाइज आपको बता दूँ, उस टाइम पे फ़ोन पे भी शायद उस फ़ोन में गेम हुआ करता था, मैं फ़ोन पे भी गेम खेलता था उस टाइम पे। एंड गाइज आपको बता दूँ, उस टाइम पे जो इंटरनेट हुआ करता था ना, वो इंटरनेट बेसिकली मतलब जो 90s बॉर्न किड्स हैं, जो 90s बॉर्न यहाँ पे हैं व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, उनको अच्छे से पता होगा, उस टाइम पे गाइस 1 GB पूरा एक महीना चलाना पड़ता था, 1 GB पूरा एक महीना। उस टाइम पे कोई जियो नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आइडिया, रिलायंस, BSNL, एयरटेल, सिर्फ ये हुआ करते थे, सिर्फ ये चार सिमें हुआ करती थी। वर्जिन नाम की भी एक सिम हुआ करती थी गाइस, काफ़ी लोग हंसी आ रही होगी, बट हाँ वर्जिन नाम की एक सिम हुआ करती थी उस टाइम पे। तो गाइस ऐसे कुछ हुआ करते थे, एंड 1 GB एक महीने के लिए। तो गाइस ऐसे कुछ दिन थे उस टाइम पे मेरे। एंड फिर एक दिन क्या हुआ गाइस, एक दिन ऐसा आया जो मेरी लाइफ के जिसने 1.5-2 साल ख़राब कर दिए पूरे, मतलब मैं बहुत सैड रहता था। एंड वो दिन आया बारिश में, ठीक है। बेसिकली मेरा रूम था जिसमें 2 खिड़कियाँ थी, एक खिड़की मेरे बेड के पास, एक खिड़की टेबल के पास जहाँ पर मैं लैपटॉप रखता था। तो गलती से गाइस वो खिड़की खुली रह गई, एंड क्या हुआ कि बारिश के कारण पूरा मॉइस्चर जो है मेरे लैपटॉप में आ गया, ठीक है। अब मैंने वो लैपटॉप तो रख दिया खेल के रात में पूरा, एंड वो लैपटॉप में वो मॉइस्चर आ गया, ठीक है। सो गाइस वो लैपटॉप में, अब बेसिकली जब लैपटॉप लिए थे हम लोगों ने, तो मेरे भाई ने क्या किया था, एक वाईफाई लगाया था BSNL का, ठीक है। सो आपको पता ही है BSNL की स्पीड माशाल्लाह क्या मस्त है एकदम, मतलब कतई जहर वाली, ताकि ना जिससे पूरे गेमर्स जिन्होंने आज तक गेमिंग स्टार्ट की है सब BSNL से की होगी, जो पुराने गेमर्स है बेसिकली, तो ऑनलाइन गेमिंग। तो मैंने भी गाइस ऑनलाइन गेमिंग BSNL से स्टार्ट की थी, जिसमें मैं खेला करता था CS वगैरह, CS खेलता था, ये सब चीज़ें मैं खेला करता था, ठीक है। हाँ तो गाइस ऑनलाइन गेम्स वगैरह मैं खेला करता था उस पर, CS वगैरह, ठीक है। तो गाइस क्या हुआ, जैसे मैंने बताया कि खिड़की खुली रह गई थी एक दिन, एंड पूरा मॉइस्चर जम गया था गाइस बारिश के कारण, पूरा मॉइस्चर वगैरह जम गया था मेरे लैपटॉप की मदरबोर्ड पे, डिस्प्ले IC वगैरह जो होती है लैपटॉप में, सब उसमें पूरा मॉइस्चर आ गया था। एंड मैंने मॉर्निंग में, नेक्स्ट मॉर्निंग में उठा, मैंने PC स्टार्ट, मेरा लैपटॉप स्टार्ट किया, एंड वो लैपटॉप गाइस पूरा का पूरा लाइक मतलब जल गया था, ठीक है। बेसिकली पूरा जल गया था, मतलब जला नहीं था, देखा जाए तो उसके फ़ैन चल रहे थे, ठीक है, लेकिन डिस्प्ले IC उड़ गई थी उसकी, मदरबोर्ड उसकी जल गई थी मॉइस्चर के कारण, बिकॉज ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है एंड उसमें मॉइस्चर है, तो वो मतलब पूरा बर्न हो गया था, ठीक है। सो ख़राब हो गया था। तो गाइस क्या हुआ कि ऐसे जब वो ख़राब हुआ तो एक महीना निकल गया, ठीक है। मेरे पास लैपटॉप नहीं था, इंटरनेट था, इंटरनेट भी एक महीने बाद बंद हो गया, कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि ऑब्वियसली लैपटॉप बंद है, मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, पापा ने इंटरनेट बंद करवा दिया था फालतू के। उस टाइम पे भी मुझे देने पड़ते थे, शायद पापा ही देते थे पैसे, मैं तो बिल्कुल नहीं दे पाता था। तो उस टाइम पे गाइस कुछ 2000 रुपये का प्लान था वो मेरा, एंड वो 2000 का प्लान का मुझे स्पीड मिलती थी उस टाइम पे, मुझे याद नहीं आ रही है, बट मैं आपको एग्जांपल दूंगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसी स्पीड मिला करती थी, ओके। तो बेसिकली गाइस वहाँ से शुरुआत हो चुकी थी अपने चैनल की, यूट्यूब चैनल की, डायनामो गेमिंग चैनल की, एंड मैं वहाँ से अपलोड करना स्टार्ट कर चुका था मेरे चैनल पे CS के वीडियोस, बैटलफील्ड के वीडियोस, वो सब मैं स्टार्ट कर चुका था। सो बेसिकली गाइस मेरी इंटरनेट की स्पीड हुआ करती थी इतनी कम कि अगर मुझे कल सुबह एक वीडियो अपलोड करनी है मेरे चैनल पे 11 बजे, ठीक है, तो वो वीडियो मैं आज रात को 9:30 बजे डिनर करके, खाना खा के अच्छे से वीडियो अपलोड करने छोड़ता था, एंड वो वीडियो रात भर अपलोड होते 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 नेक्स्ट मॉर्निंग में 11 बजे तक अपलोड हो जाती थी यूट्यूब पे। इतनी घटिया स्पीड BSNL की, यही रीज़न था मैं उसको BSNL बोलता था, BSNL नहीं बोलता था, यही रीज़न था गाइस, ठीक है। तो इतना कुछ देखना पड़ता था, ठीक है। सो लैपटॉप गया मॉइस्चर के कारण, पूरा 1 साल निकल गया, 1.5 महीने निकल गए, 2 महीने निकल गए, 5 महीने, 10 महीने, 1 साल निकल गया, 1.5 साल निकल गया, पूरा 1.5 साल मेरे पास लैपटॉप नहीं था। 1.5 साल मैं सिर्फ और सिर्फ गाइज मेरे तो जो मैंने फ़ोन खरीदा था, मैं सिर्फ और सिर्फ उसमें चेक करता था, हर रात को सोने से पहले मैं सिर्फ चेक करता था कि कब ये कंप्यूटर के प्राइस सस्ते हो गए, कब ये होगा, कब वो होगा, कब मैं ले पाऊंगा। एंड गाइज मैं हर दिन हर रात को सोने से पहले हर एक पार्ट का प्राइस चेक करता था। फॉर एग्जांपल आज मैंने पूरे पार्ट्स के प्राइस पार्ट्स लिखे हुए मेरे पेज पे, एंड उसके आगे उनके प्राइजेस लिखे हुए, मैं हर रात को चेक करता था कि कम हुआ कि नहीं हुआ, कम हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे गाइस मैंने पूरे 1.5 साल किए हैं, मतलब हंसी आ रही होगी बहुत लोगों को, लग रहा होगा कि यार कैसा अजीब सा बंदा है, लेकिन हाँ गाइस ये पूरी स्टोरी है। मैं हर रात को सोने से पहले चेक करता था पूरे प्राइस स्नैपडील पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन पे, मैं सब चेक करता रहता था कि
काश कोई डिस्काउंट आ जाए, काश कोई कम आ जाए, मैं ख़रीद पाऊँ, काश ऐसा कुछ हो जाए। बट ऑब्वियसली पैसे तो मेरे पास थे ही नहीं, मैं ख़रीद तो पाता भी नहीं बिल्कुल, कुछ होता भी तो, बट वो होती ना एक आस होती दिल में कि यार काश हो जाए, काश एक हो जाए बस। तो गाइस इन 1.5 साल में मैंने क्या किया, इन 1.5 साल में मैंने मेरा एक फ्रेंड है जिसने मुझे डोटा सिखाया था खेलना, मैं लैपटॉप पर डोटा भी खेलता था, डोटा वन की बात कर रहा हूँ ठीक है। सो लैपटॉप में मैंने डोटा भी डाला था, उसमें डोटा चलता था लेकिन बहुत लैग होता था, एंड डोटा वन की हिसाब से इतने खास नहीं थे तो वो डोटा गेम चल जाता था ठीक है। तो उसने डोटा सिखाया था तो मैं डोटा खेलता था। तो गाइस इन 1.5 सालों में जब मैं डोटा भी नहीं खेल पाता था, लैपटॉप भी बंद था, इंटरनेट भी नहीं था घर पर, तो इन 1.5 साल में गाइस मैं मेरे उस दोस्त के घर जाता था सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए कि वो कैसे खेल रहा है। 1.5 साल गाइस मैंने ऐसे निकाले हैं ठीक है। मेरे पापा एक टीचर है स्कूल में, गर्ल्स स्कूल में टीचर है मेरे पापा ठीक है। सो उनकी स्कूल स्टार्ट होती थी 10:30 बजे एंड स्कूल एंड होती थी 5:30 बजे ठीक है। तो जिस दिन मुझे कॉलेज वॉलेज नहीं जाना, जिस दिन मुझे लेक्चर अटेंड नहीं करने हैं या स्कूल वगैरह नहीं है, जो भी चीज़ है, उस दिन मैं पापा को स्कूल ड्रॉप करता था 10:30 बजे एंड 10:30 बजे मैं उस बंदे के घर जाता था, 10:30 बजे उस बंदे के घर जाता था, वहाँ बैठ के मैं उसका गेम देखता था। एंड उसका उसका रूम गाइस इतना छोटा था ना, इतना छोटा रूम कि उस रूम में एक सिर्फ टेबल आएगा, एक टेबल फ़ैन आएगा, उसमें पंखा भी नहीं था, सिर्फ टेबल फ़ैन था उसके रूम में, एक टेबल आएगा, एक टेबल फ़ैन आएगा, टेबल के सामने एक चेयर आएगी, एंड चेयर टेबल के ऊपर एक कंप्यूटर आएगा, बस इतना सा रूम था गाइस, सिर्फ इतना सा रूम। एंड उसके चेयर के बाजू में मैं एक प्लास्टिक का स्टूल रखता था एंड बस वहाँ बैठा रहता था। एंड 10:30 से लेके 1 बजे तक मैं उसके यहाँ बैठता था, एंड 1 बजे मेरे पापा का लंच ब्रेक होता था तो 1 बजे मैं वापस स्कूल जाता था, पापा को पिक करता था एंड पिक करके वापस घर जाता था, घर जाके हम लंच करते थे। एंड 2 बजे वापस मैं पापा को स्कूल ड्रॉप करता था एंड 2 से लेके 5 बजे तक फिर से मैं उसी के रूम में जाके वापस बैठ जाता था उसके घर गेम देखने के लिए। तो गाइज़ ऐसे मतलब फिर वही 5 बजे वापस स्कूल जाओ, पापा का कॉल आता था कि आज स्कूल छूट गई है, स्कूल जाओ, पापा को पिक करो एंड फिर वहाँ से जाके सीधा घर जाओ। एंड उसके बाद तो बाइक थी नहीं हमारे पास उस टाइम पे, स्प्लेंडर हुआ करती थी पापा की, तो स्प्लेंडर मतलब मैं चलाता था उस टाइम पे, नया नहीं सीखा था बट हाँ चला लेता था। तो फिर उसके बाद गाइज मतलब ऐसे मैंने 1.5 साल निकाले। एंड गाइज 1.5 साल बाद डोटा, मतलब उस टाइम पे गाइज डोटा का अपडेट भी आ गया था, मतलब 3-4 महीने बाद जब मेरा पीसी, जब मेरा लैपटॉप ख़राब हुआ तब 3-4 महीने बाद डोटा का अपडेट आ गया था। एंड डोटा 1 से डोटा 2 हो गया था, एंड डोटा 2 में सब कुछ सेम था, सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स थोड़े अच्छे हो गए थे, थोड़े स्मूथ हो गए थे एंड घास वास थोड़ी अच्छी हो गई थी उसमें भी, तो डोटा का टेक्स्चर्स काफ़ी अच्छे हो गए थे। तो मैं देखा करता था, एंड गाइज 1.5 साल बाद मेरे ख्याल से वो पहला TI था जो मैंने देखा था, मेरे ख्याल से TI 2 था शायद, TI 2 जिसमें मेरे हिसाब से जीती थी IG। मैंने TI 1 देखा था मेरे दोस्त के यहाँ एंड TI 2 मैंने देखा था वही दोस्त के देखा था जिसमें IG जीती थी। IG मतलब इन्विक्टस गेमिंग, ये एक चाइनीज़ टीम थी उस टाइम पे, चाइनीज़ थी मेरे ख्याल से IG इन्विक्टस गेमिंग, तो चुआन वगैरह वो सब मेंबर्स थे IG के, मेरे को आज भी याद है भाई, शायद क्या बात है। सो यप गाइस चुआन वगैरह थे उसमें, तो ये सब चीज़ें हुआ करती थी ठीक है। तो उस समय भी यह हुआ था कि 1.5 साल हो चुके थे एंड मुझे चाहिए था PC डोटा खेलने के लिए ठीक है। एंड डोटा में उस टाइम बैटल पास आया था, तो बैटल पास बेसिकली ये होता है कि आपको इन गेम के आइटम्स मिलते फ्री में जब आप लेवल अप करते हो एंड कुछ चीज़ें हुआ करती थी, तो वो मुझे चाहिए था। तो मैंने क्या किया, लिटरली मैंने घर में झगड़ा कर लिया लिटरली मैंने घर पे झगड़ा कर लिया था, डैड से झगड़ा कर लिया था, मॉम से झगड़ा किया था कि यार 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल तक मैंने देखा तक नहीं है लैपटॉप, इंटरनेट नहीं है, कुछ नहीं है, मैं एक रूम में बस शाम में जाता हूँ, एक रूम में अपने आप को बंद कर लेता हूँ, खाना खाने नीचे उतरता हूँ एंड बस चुपचाप वापस ऊपर रूम में जाके सो जाता हूँ एंड फिर सुबह उठता हूँ, फिर से वही ज़िंदगी। 1.5 साल तक मैंने निकाल लिया है, अब मेरे से नहीं हो रहा है, आप प्लीज़ मुझे लैपटॉप या PC कुछ लेके दे दो ठीक है। तो पहले तो मना कर दिए, पहले पूछा कि क्यों चाहिए, मैंने बोला मुझे गेम खेलना है। तो ऑब्वियसली यार मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, आप में से 99% लोगों को पता होगा कि क्या होता है जब आप अपने पेरेंट्स को बोलते हो कि मुझे गेम खेलने के लिए PC चाहिए, आपको पहले ही मना कर दिया जाता है कि यार पढ़ाई कर, जॉब कर, सरकारी जॉब पे लग जाओ तो और बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये होती है मैंटेलिटी। तो ऑब्वियसली मुझे मना कर दिया गया, डांट पड़ी, मार पड़ी, सब कुछ झेल लिया, सब कुछ सही चल रहा था ठीक है, सब कुछ सही मतलब सब कुछ ऐसा ही चल रहा था ओके। सो वही है एंड उसके बाद गाइज क्या कहते हैं, 1.5 साल बाद मतलब मैंने बात करना छोड़ दिया था पापा से, मैं लिटरली बात नहीं करता था, ब्रेकफास्ट नहीं करता था, लंच नहीं करता था अच्छे से, डिनर नहीं करता था अच्छे से। तो ये सब चीज़ें ना मेरे मॉम डैड को दिखने लग गई कि यार कुछ हो रहा है इसके लाइफ में जो कि इसको परेशान करी जा रही है। एंड ऐसे गाइज एक हफ़्ता निकल गया, एक हफ़्ता मैंने ये सब चीज़ें फॉलो की थी, बात नहीं करना, झगड़ा करना, खाना वाना नहीं खाना, ऐसे एक हफ़्ता निकल, ऑब्वियसली यार आप लाइक हम में से हर एक वो इंसान
अपने पेरेंट्स से, ऑब्वियसली हम तो उनको गाली दे नहीं सकते, मार नहीं सकते, डांट नहीं सकते, तो ऑब्वियसली छोटे बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चे या बड़े बच्चे जो भी है अपने मॉम डैड के सामने नाराज़ हो जाते हैं, बात नहीं करते हैं। तो मैंने भी वही किया था। एंड एक डेढ़ हफ्ते बाद, मतलब एक हफ्ते ख़त्म होने के बाद, तीसरे चौथे दिन, मतलब ऑब्वियसली डेढ़ हफ्ते बाद, मुझे कॉल आया मेरे पापा का, स्कूल में आ करके काम है। एंड उस टाइम पे मैं बहुत नाराज़ रहता था, बात नहीं करता था, तो मैंने मतलब ऐसे ही बोल दिया गुस्से में कि हाँ ठीक है आ रहा हूँ। तो मैं पहुँच गया पापा के स्कूल, पापा के से मेरे घर से पापा का स्कूल 1.5-2 किलोमीटर दूर था। मैं ऐसे पैदल पैदल घूमते घूमते पहुँच गया स्कूल पे। एंड फिर वहाँ जाके फिर पापा ने बोले कि कितने रुपए चाहिए सुधारने के लिए तेरा लैपटॉप। मैंने बोला कि कम से कम 10-15 हज़ार चाहिए, क्योंकि उसमें मदरबोर्ड डालना है पूरा नया, डिस्प्ले आईसी डालनी, पूरा डिस्प्ले भी गया हुआ है। तो मैंने बोला कि यार मत दो पैसे, क्योंकि पुराना हो चुका है ये लैपटॉप भी, एंड इस पर अब नहीं चलेगा, नए गेम्स जो भी है मैं नहीं खेल पाऊँगा, तो मत दो यार पैसे वेस्ट है। तो पापा ने बोला कि पीसी बना ले, पीसी कितने का लगेगा तेरा। तो पहले एकदम मैं खुश हो गया, मेरा पीसी के पैसे देने वाले, मैं बहुत खुश हो गया। मैंने एकदम खुशी खुशी में बोल दिया कि पापा कम से कम ना इतने इतने रुपये चाहिए रहेंगे, तब जाके एकदम बढ़िया पीसी बनेगा, मतलब फुल, मैंने बोल दिया था फुल, मतलब नहीं कि मैंने सीधा बोल दिया कम से कम 1 लाख के ऊपर पैसे चाहिए, तब जाके ना बहुत अच्छा पीसी बनेगा और मैं अच्छे से खेल पाऊँगा। तो जैसे वो पापा ने 1 लाख रुपये सुने, तुरंत तुरंत बोले भाई एक काम कर, जैसे आया ना वैसे ही तू उल्टे रास्ते चुपचाप घर चले जा। तो मैंने बोला कि यार अब क्या बोल दिया मैंने, गलती से क्या हो गया मेरे से। तो फिर पापा ने, मतलब मैं एकदम मायूस हो गया था उस टाइम पे, मतलब बैठा हुआ था स्कूल में, पापा के एकदम चुपचाप किसी से बात नहीं कर रहा था। फिर पापा ने मुझे एक चेक दिया अपने बैंक का, एंड उसमें एक अमाउंट लिखी हुई थी, एंड वो अमाउंट थी गाइस 50,000 रुपये। ठीक है, मेरे पापा ने मुझे 50,000 रुपये दिए उस टाइम पे। एंड गाइस ये बात बता रहा हूँ, ये बात 2015 की है। ठीक है, मेरे पापा ने मुझे 50,000 रुपये दिए एंड मुझे बोला कि ले इतने रुपए हैं मेरे पास, सिर्फ इतने रुपए हैं, बैंक में जा इतने रुपए निकाल एंड देखो जो करना है जितना कुछ हो सकता है ले ले। अब वो टाइम पे मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं था कि कौन सा पीसी बनेगा, इसमें कितने कंपोनेंट्स आएंगे, क्या होगा। मैंने सिर्फ वो चेक देखा, मैं बहुत खुश हो गया। मैंने मेरे पापा को लाइक गले से लगा लिया स्कूल में ही, एंड हंसने लग गया एंड उनके लाइक पैर वैर पड़ा। एंड वहाँ से मैं भाग गया मेरे दोस्त के घर, जिसके यहाँ पर मैं डोटा खेलने जाता था। ठीक है, सो डोटा वोटा मैं उसके घर पे गया, उसको मैंने बोला कि मुझे एक चेक मिला, फटाफट तेरे बैंक चलते हैं एंड फटाफट इसको डिपॉजिट करते हैं एंड ऑर्डर करते हैं सामान। ठीक है, सो उसका था ICICI बैंक अकाउंट, हम लोग उसके बैंक गए फटाफट उसकी स्कूटी से एंड हमने डिपॉजिट वगैरह कराया पैसे। एंड उसके बाद हमने, उस टाइम अमेज़ॉन भी था, बट हमने सारे के सारे कंपोनेंट्स ऑर्डर किए फ्लिपकार्ट और स्नैपडील से। ठीक है, तो गाइज़ ये सब चीज़ें आने में 1 हफ्ते लग गए थे कम से कम। एंड एक एक हफ्ते में हर एक दिन एक ही चीज़ें आया करती थी, जैसे आज सपोज़ रैम आ रही है, हार्ड डिस्क आ रही है। ठीक है, तो गाइज़ आप सोचो उस 50,000 में थोड़े बहुत पैसे मैंने जो जमा किए थे धीरे धीरे करते करते 1.5-2 साल मिला के, मैंने, आप यकीन नहीं करोगे गाइस, मैंने सिर्फ और सिर्फ गाइस 7,000 रुपये जमा किए थे 1.5 साल में, सिर्फ 7,000 रुपये। तो गाइज मेरा बजट हो गया था कुछ 57,000 का। ठीक है, सो सोचो गाइस उस 50-60 हज़ार के अंदर मैंने कैसा पीसी बनाया होगा। 2015 में गाइस उस टाइम पे मेरे पास था एक 1 TB हार्ड डिस्क, 8 GB रैम, AMD का 6300 6 कोर प्रोसेसर एंड ग्राफिक कार्ड मेरे पास HD 7770। ठीक है, इतना पुराना ग्राफिक कार्ड था उस टाइम पे ये, बट उस टाइम पे गाइस अच्छा चलता था उसमें गेम वगैरह। तो मेरे पास था HD 7770 एंड ये सब चीज़ें मैंने बताया, ये सब चीज़ें थी। एंड जो मेरा मॉनिटर था वो भी एकदम सस्ता सा था, 18 इंच का मॉनिटर था, 17-18 इंच का मॉनिटर था, कुछ डेल या LG का था पता नहीं, ऐसा ही कुछ तभी था। एंड जो मेरा कैबिनेट मेरा था NZXT। एक्चुअली मुझे पहले से एक कंपनी बहुत पसंद थी NZXT, एंड मेरा एक फैमिली मेम्बर है जो US में था एंड उसने मुझे वहाँ से शिप करवाया था। तो उस टाइम तो गाइस मेरे पास काफ़ी स्मॉल टावर था NZXT का, मिड टावर या स्मॉल टावर था NZXT फैंटम था। एंड आज भी गाइस मेरे पास NZXT है, मुझे बहुत पसंद है कंपनी, तो मेरे पास आज भी NZXT है। अभी अल्ट्रा टावर है NZXT का तो है, अभी भी है, ये सब चीज़ें मेरे पास। तो गाइस मैं लिटरली बेड पे सो के ना सिर्फ वो कंपोनेंट्स देखा करता था कि आज ये आया हुआ है, आज हार्ड डिस्क है, आज प्रोसेसर आ गया, आज ग्राफिक कार्ड आ गया, आज रैम आ गई, मैं सिर्फ देखा करता था। एंड मेरा वो जो कैबिनेट है वो आते आते कम से कम 10-15 दिन लग गए, एंड 10-15 दिन के बाद मेरा कंप्यूटर बना। एंड गाइस आप यकीन नहीं करोगे, जिस दिन मेरा कंप्यूटर स्टार्ट हुआ ना उसी दिन मैंने इंटरनेट लगवा लिया BSNL का, है ना
मैंने इंटरनेट लगवा लिया एंड सबसे पहला गेम गाइस मैंने वही अपना खेलना स्टार्ट किया, सीएस वगैरह खेलना स्टार्ट किया, डोटा सबसे डोटा खेलना स्टार्ट किया, सीएस खेलना स्टार्ट किया, जीटीए, बैटलफील्ड, ये सब चीज़ें मैंने खेलना स्टार्ट किया, ठीक है। एंड गाइस मैं लिटरली इतना खुश हो गया था मेरा कंप्यूटर बनाने के बाद, मैं लिटरली गाइस यकीन नहीं करोगे, मतलब कसम से मैं जिस दिन मैंने कंप्यूटर बनाया था उस दिन से लेके लगातार मैंने 70 घंटे मैंने गेम खेले, 70 घंटे मतलब लगातार 3 दिन, मैं 3 दिन तक मेरे रूम से नीचे नहीं उतरा था, 3 दिन तक मैं लगातार मेरे घर में ही था, रूम में बंद था, सिर्फ और सिर्फ मैं गेम खेलता था, सिर्फ मैं खाना खाने के लिए नीचे, मैंने 3 दिन नहाए भी नहीं थे ये एक फैक्ट है जो कि ख़राब है मुझे पता है, लेकिन गाइस ये सच है, 3 दिन मैं नहाया नहीं था, मैं 3 दिन सिर्फ एक रूम में बंद था, मैं सिर्फ गेम खेल रहा था 3 दिन, मैं सिर्फ खाना खाने के नीचे उतर रहा था और बस वापस खाना खाओ, ब्रेकफास्ट करो, तुरंत ऊपर भागो, गेम खेलो एंड बस सो जाओ। 3 दिन लगातार मैंने ये किया। तीसरे दिन जब मेरे पापा ऊपर आए रूम में देखने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूँ इतने दिन से, मुझे डांट वाट पड़ी एंड तब जाके गाइस मेरा पीसी बंद हुआ। मैं वो पूरा दिन शाम में फैमिली के साथ स्पेंड किया नीचे बैठ के एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट डे से सेम रूटीन मॉर्निंग में स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो गाइस ऐसा करके पूरा चैनल मेरा स्टार्ट हुआ, ऐसा करके पूरी जर्नी स्टार्ट हुई है। ये पूरा स्ट्रगल था मेरे चैनल का, मेरा डायनामो बनने का बेसिकली, मतलब गेमिंग डायनामो गेमिंग बनने का, ठीक है। सो ये सब चीज़ें करके गाइस मतलब ये सब चीज़ें हुई है। उसके बाद जाके मैं ऐसे टाइम पे अपलोड करता था, जैसे कि आपको मैंने बताया कि स्पीड कितनी ख़राब थी, मैं कैसे अपलोड किया करता था एंड सेम उसके बाद भी सेम वही चीज़ें थी, मैं अपलोड ही करता था, मैं स्ट्रीम नहीं करता था बिकॉज इतना ख़राब अपलोड स्पीड में मैं कैसे स्ट्रीम करूँगा, राइट। तो वैसे अपलोड ही करता था, मैंने डोटा के वीडियोस अपलोड किए हैं, मैंने सीएस के किए हैं, मैंने जीटीए सैन एंड्रियास के किए हैं, वाईसीटी के किए हैं, देन बैटलफील्ड के किए हैं, तो ये सब चीज़ें मैं करता था। एंड अगर आप अब देखोगे ना तो इसमें से आपको कुछ वीडियोस नहीं मिलेगी, जैसे कि सीएस की नहीं मिलेगी, बहुत सी नहीं मिलेगी सिर्फ डोटा बैटलफील्ड छोड़ के, बिकॉज अब वो मोनेटाइज है। तो पता नहीं क्यों मेरे को बीच में कीड़ा काटा था कि जब मेरे चैनल पे मोनेटाइजेशन स्टार्ट हुई थी तो जितने भी डीमोनेटाइज वीडियोस थे ना वो सारे के सारे मैंने डिलीट कर दिए थे, सारे के सारे डिलीट कर दिए थे मैंने। पता नहीं क्यों ऐसा मेरे माइंड में थॉट आया था कि जितने भी डीमोनेटाइज वीडियोस सारे डिलीट कर दो, तो मैंने वो सारे डिलीट कर दिए। तो आज अगर मैं वो नहीं करता ना डिलीट गाइस, तो मेरे चैनल पे आज कम से कम 2000-1500 वीडियोस तो कम से कम होते, कम से कम गाइस 1.5 से 2000 वीडियोस होते हैं, 2000 तो नहीं होते बट हाँ कम से कम 1.5 तो होते हैं। तो फिर जाके गाइस पबजी आया, पबजी जब आया मैंने लाइक ऑनलाइन खेलना स्टार्ट कर दिया था, ये सब चीज़ें बैटलफील्ड वगैरह, पबजी आया एंड पबजी से मैंने खेलना स्टार्ट किया, सेम पीसी आ गाइस, सेम पीसी मैंने स्ट्रीम करना स्टार्ट किया 2017 में, एंड 2017 में ही पबजी आया था बीटा वर्जन, मैं पबजी खेलना स्टार्ट कर दिया एंड इतना लैग होता था ना, मतलब क्या बताऊँ, इतना लैग, बीटा वर्जन बहुत लैग, फुल घटिया ग्राफिक्स, फुल वेरी लो पे खेल रहा हूँ, सब कुछ ऑफ है, वेरी लो पे खेल रहा हूँ एंड पूरे घटिया ग्राफिक्स में खेल रहा हूँ एंड बहुत मतलब बहुत ही लो होता था एंड इतना लैग होता था ना उस पर स्ट्रीम करना उस पीसी पे। स्टिल गाइस मैंने स्ट्रीम किया, अगर आप चेक करोगे मेरे चैनल पे वो वीडियो आपको मिलेंगे जिसमें मैं पबजी खेल रहा हूँ, पबजी पीसी खेल रहा हूँ एंड बहुत लैग हो रहा है, आप खुद देखना वो गेम कैसे खेल रहा हूँ एंड आप खुद नोटिस करोगे कि मैं स्टार्टिंग में कैसा था, मेरे को बोलते ही नहीं आता था, मैं चैट नहीं पढ़ पाता था, ऑब्वियसली चैट कैसे पढ़ूंगा, लोग होते ही नहीं थे पहले, 1 महीना मेरे चैट पे कोई नहीं होता था, पहला 1 महीना मेरे यूट्यूब स्ट्रीमिंग जर्नी का 1 महीना मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 वॉचिंग पे निकाली है एंड 2 वॉचिंग वो भी सिर्फ मेरे, 1 वॉचिंग मेरे मोबाइल की, दूसरी वॉचिंग मेरे लैपटॉप की। एंड मैं ऐसा इसलिए करता था ताकि लोग जब चैनल को देखें कि हाँ एक बंदा लाइव है, उसको उनको लगे कि हाँ भाई ऑलरेडी 2 बंदे देख रहे हैं तो हम भी क्लिक करते हैं, हम भी देखते हैं। तो गाइस सिर्फ उनको लगे कि 2 बंदे देख रहे हैं इसलिए बस मैं लैपटॉप और मोबाइल पे स्ट्रीम देखता था साइड बाय साइड, ताकि लोग को लगे कि हाँ भाई 2 वॉचिंग आ रही है, हम भी आके देखते हैं। तो गाइस ऐसा मैंने पूरा 1 महीना निकाला है मेरे चैनल पे, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस धीरे धीरे वॉचिंग आना स्टार्ट हुई, 2 से 3 हो गए, 3 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 100, 100 से फिर आगे बढ़ते गए धीरे धीरे। तो मुझे अच्छे से याद है पबजी पीसी में मैंने हाईएस्ट वॉचिंग क्रॉस की थी कुछ 47 की पबजी पीसी में, एंड उसके बाद फिर मैंने गैप ले लिया था, मुझे नागपुर जाना पड़ गया था कुछ काम से, तो चैनल मेरा बंद हो गया था, मतलब मैंने अपलोड करना बंद कर दिया था। उसके बाद गाइस जब मैं वापस आया तो पबजी पीसी की मदद से गाइस मैंने मेरे चैनल पे कर लिए थे कम से कम 1.7 के सब्सक्राइबर्स तक हो गए थे, शायद 1.7 या 1.5 के तक आ गए थे हम लोग अपने चैनल पे गाइस। एंड उसके बाद गाइस मैंने देखा एक बंदा, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, एक बंदा वो पबजी मोबाइल की स्ट्रीम कर रहा है, ठीक है, उस बंदे के चैनल पे सब्सक्राइबर्स है 3000, ठीक है। तो उसके हो गए एक दिन में 3700, मैंने देखा, मैंने उसकी पूरी 4-5 घंटे की स्ट्रीम देखी पबजी मोबाइल की, उसके 3700 हो गए। तब मैंने देखा कि यार मैं 2010 से चैनल चला रहा हूँ, मैं दिन भर उठ के स्ट्रीम करता हूँ, सब कुछ करता हूँ एंड एक ही स्ट्रीम पे मुझे
700 सब्सक्राइबर्स कभी नहीं मिले, लेकिन इस बंदे को मिल गए। तो गाइज़ मैंने सोचा कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, चलो ये ट्राई करके देखते हैं, शायद इससे काम बन जाए। तो गाइज़ आई थिंक सो वो बंदा इंडिया का सबसे पहला ऐसा बंदा होगा जिसने पबजी मोबाइल स्ट्रीम किया होगा, ठीक है, यूट्यूब पे 2017 में ही, 17 की स्टार्टिंग या मिड मिड तक। एंड गाइज मुझे लगता है कि सेकेंड बंदा मैं हूँ पूरे इंडिया का जिसने स्ट्रीम करना स्टार्ट किया पबजी मोबाइल। एंड गाइज जब मैंने स्ट्रीम किया ना, आप यकीन नहीं करोगे, पहला दिन ही अच्छा गया, पहले दिन सब्सक्राइबर आना स्टार्ट हुआ। एंड गाइज मैं 1.7 से सीधा 2K हो गया, ठीक है, मतलब पहले ही दिन गाइज 3 सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, लाइक 300 सब्सक्राइबर्स पहले दिन बढ़ गए थे। तो मैंने देख लिया, मैंने बोला यार बहुत सही है यार, मतलब मैं 3 साल से मेहनत कर रहा हूँ, अभी तक इतने नहीं हुए थे, लेकिन पहले ही दिन की पूरी 2 स्ट्रीम मिला के 300 बढ़ गए, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज तब से मैंने कंटिन्यू करना स्टार्ट किया पूरी स्ट्रीमिंग जर्नी, पूरी यूट्यूब की जर्नी, मतलब तब से मैंने पबजी मोबाइल स्टार्ट किया है। तो आज आपको पता ही है, मतलब 2000 से 10,000, 10,000 से 100, 100K, देन 1 लाख, सॉरी 100K, मतलब 1 लाख ही होते हैं, 100K, 200K, 1 मिलियन, 3 मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन। तो गाइज जर्नी तो आपको पता ही चल गई थी उसके बाद से। एंड गाइज सही, सब कुछ सही था, सब कुछ बेस्ट था उसके बाद, मतलब सब सही चल रहा था। एंड उसके बाद अगर बात करी जाए क्रिटिसिज्म की, जो मिलना स्टार्ट हुआ, पहले हेट रेट क्रिटिसिज्म वाले कुछ भी नहीं हुआ करता था, ठीक है। सो गाइज 1 मिलियन के पहले पहले जब मेरे चैनल पे आई थिंक 700K थे, 700K के आसपास थे, तब मेरा एक वो आया, क्या कहते हैं, एक इंटरव्यू आया टेक टू वगैरह पे, जिस पे मैंने बोल दिया कि ऑब्वियसली मैंने बोल दिया था उसमें कि लाइक मैं अच्छा खेलता हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं प्रो हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे को लॉन्ग रेंज मारना बहुत इम्पॉसिबल है, ऐसा ऐसा मैंने बोल दिया, ठीक है, जो कि मैंने थोड़ा बहुत फनी वे में बोला था। एंड उसमें गाइस थोड़ा बहुत ईगो भी था, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ गाइस, उसमें थोड़ा ईगो भी था, थोड़ा उसमें एटीट्यूड भी था उस टाइम के डायनामो में, बिकॉज ऑब्वियसली गाइस देखो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है, ऑब्वियसली आप खुद सोचो, एक चीज़ जो आप बचपन से एडमायर करते आ रहे हो, बचपन से आप सोचते आ रहे हो, बचपन से जिसके आप सपने देखते आ रहे हो कि आपका एक चैनल होगा, आपके चैनल पे भी एक वेरीफाइड मार्क होगा, आपके पास भी एक प्ले बटन होगा, आपके पास आपके सब्सक्राइबर्स भी लाइक 100K में रहेंगे, तो वो चीज़ आपको मिलने लग गई थी, ठीक है। तो जब आपको गाइस ये सब चीज़ें मिलने लग जाती है ना, तो आप पे थोड़ा सा घमंड आ जाता है, ठीक है। एंड गाइस वही चीज़ मुझ में आ गई थी, जो कि ऑब्वियसली मुझे पता चल गया था बाद में, बट वो चीज़ें मुझे बाद में मालूम पड़ी जब वो इंटरव्यू हो चुका था, ठीक है, तब मुझे मालूम पड़ा कि नहीं यार मुझ में ईगो आ गया है, मुझ में एटीट्यूड आ गया है। एंड ये मैं उन लोगों के ऊपर दिखा रहा हूँ जिन लोगों ने मुझे बनाया है, जिन लोगों ने डायनामो को खड़ा किया, जिन लोगों ने डायनामो गेमिंग चैनल को खड़ा किया है, उन लोगों के ऊपर क्यों दिखा रहा हूँ, मतलब बहुत गलत चीज़ है यार। तो वैसे तब से ही मैंने सब चीज़ें बंद कर दी थी, तब से मैंने गाइस ये सब रैंक पुशिंग, प्रो प्लेयर रैंक पुशिंग, KD, एशिया कॉन्करर, टॉप 5, टॉप 10, ये सब लिखना मैंने बंद कर दिया। एंड मैंने स्टार्ट कर दिया सब्सक्राइबर गेम्स, तब से गाइस मेरी गाड़ी पटरी पे आ गई थी, तब से मैंने सब कुछ स्टार्ट कर दिया था कि सब्सक्राइबर गेम्स, मतलब तब से मैं पूरा चेंज हो गया था, तब से पूरा एटीट्यूड मेरा कम हो गया था, तब से मेरा जितना भी सब चीज़ें जो है ईगो वगैरह सब कम हो गया था। बट धीरे धीरे रियलाइज होना स्टार्ट हुआ मुझे कि नहीं यार, जिन लोगों ने मुझे इतने प्यार से यहाँ तक पहुँचाया, जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक बढ़ावा दिया चैनल को, उन लोगों के लिए बिल्कुल एटीट्यूड नहीं रहेगा, बिकॉज ये लोग लाइक मेरे लिए भगवान जैसे हैं। जैसे वो होता है ना वो होता है ना, जनता का जब प्यार मिलता है तो आप आसमान भी छूते हो, एंड जब प्यार नहीं मिलता तो आप नीचे भी गिर जाते हो। तो गाइस मैं समझ चुका था कि नहीं यार मैंने कुछ गलतियाँ की है, मुझ में एटीट्यूड आया है। एंड गाइस ये सब गलतियाँ थी जो मैंने अब ठीक कर लिया बिल्कुल भी, तो अब बिल्कुल भी नहीं है। कभी भी लगता है लोगों को मेरी आवाज़ के कारण, बिकॉज मेरी आवाज़ थोड़ी भारी भारी है, सो उनको लगता है कि हाँ बंदा एटीट्यूड में बोल रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है गाइस, मेरी आवाज़ ही ऐसी है। सो यार गाइस यही सब था। एंड बस तब से क्रिटिसिज्म मिलना स्टार्ट हुआ, तब से लगा कि हाँ यार हेट मिल रही है। एंड एक और चीज़, ये शुरुआत भी हुई थी उन लोगों के कारण जिन लोगों ने देखा था कि वो लोग भी स्ट्रीम कर रहे हैं, उन लोग की भी वॉचिंग नहीं आ रही है, उन लोग के भी व्यूज़ नहीं आ रहे, उन लोग के भी सब्सक्राइबर्स गेन नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा होता है ना कि लाइक ये एक कॉमन फैक्टर है, ये एक नेचुरल फैक्टर है, एक ह्यूमन नेचर है, जिसको हम जेलेसी कहते हैं थोड़ी बहुत। तो जैसे फॉर एग्जांपल होता है ना कि जैसे कि सपोज मेरा एक दोस्त है, मेरे घर के बाजू में रहता है, उसके बर्थडे पे उसके पापा ने उसको गिफ्ट किया R15, ठीक है। एंड मेरे बर्थडे मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट किया पल्सर भी नहीं, बट चलो पल्सर ही पकड़ लो जैसे। लेकिन होता ना कि यार R15 कितनी अच्छी है, उसको मतलब मस्त स्पोर्टी लुक देती है, फुल बढ़िया, मतलब नहीं कि अच्छी लगती है, फुल उसमें दो दो हेडलाइट्स है, तो ऑब्वियसली तो थोड़ा जलसी होती है ना कि यार इसके पास R15 है, मेरे पास तो पल्सर ही है। तो गाइस ऐसा कुछ आई थिंक हुआ था उस टाइम पे, लोगों को लगने लगा कि यार हम लोग भी इतनी मेहनत कर रहे हैं बट हमको वॉचिंग नहीं आती, और ये बंदा भी दिन भर स्ट्रीम करता है, इसको इतनी सारी वॉचिंग आती है, हज़ारों में लोग देखते हैं,
लाइक 500-600 लोग देखते हैं, हज़ारों में देखते हैं, तो थोड़ा बहुत होता है. तो उन लोगों ने कुछ स्टार्ट किया था जो कि इट्स ओके. मैं उनमें से किसी को भी नफरत नहीं करता हूँ, भले उन लोगों ने मेरे बारे में कुछ भी बोला हो, पास्ट में बोला हो या अभी बोलते हो या इवन मजाक में बोलते हो या जेनरली वो मीन करते हो वो सब बातें, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने ना तो कभी किसी को हेट किया है, ना कभी मैंने किसी को बोला है. बट हाँ, गुस्से में मैंने बहुत कुछ बोला है ऑन स्ट्रीम. मैंने गुस्से में बहुत काफ़ी कुछ चीज़ें बोली, जो कि ऑब्वियसली यार आप अपने काम में फोकस रहते हो, हमेशा काम करते रहते हो, आपने बचपन से ये सब चीज़ें देखते आई है, आपने जो स्ट्रगल की है सब कुछ की है, एंड सडनली आपको लोग पोक करे जा रहे हैं, आपको बोले जा रहे हैं. जैसे मेरी भी गलती थी, मैंने भी कुछ बहुत चढ़ा के बोल दिया था, बट उस समय समझ नहीं पाया था. तो हाँ यार, गुस्सा मुझे भी आ गया था, मैंने भी काफ़ी कुछ बोल दिया था. तो उसके बाद लाइक सब मैंने छोड़ दिया ये सब चीज़ों पे फोकस करना, मैंने सिर्फ काम पे फोकस करना स्टार्ट किया, सब चीज़ें देखनी स्टार्ट की कि हाँ कैसा होता है, क्या चीज़ें होती है. एंड गाइस, एक और चीज़, काफ़ी लोगों ने वीडियो बनाए कि मोबाइल वर्सेस सिम्युलेटर वगैरह, जो कि फैक्ट था. उस टाइम पे ऐसा था कि मोबाइल वाले प्लेयर्स एंड एम्यूलेटर वाले प्लेयर्स एक साथ खेलते थे, एम्यूलेटर वाले प्लेयर्स मोबाइल वालों को मारते थे. ये फैक्ट था, ये सच है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ. लेकिन पबजी वालों ने क्या किया, 0.5 अपडेट के बाद से उन लोगों ने मोबाइल और एम्युलेटर के सर्वर्स अलग कर दिए. ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहो तो आपको बस जाके पबजी के साइट पे जाके आपको ढूंढना पड़ेगा 0.5 का अपडेट, एंड आप वहाँ पर जाके पढ़ सकते हो. ठीक है, सो एंड किसी ने भी गाइस आज तक ये प्रूफ नहीं बताया. काफ़ी लोगों ने वीडियो अपलोड की कि डायनामो ने मोबाइल प्लेयर्स को मारा, डायनामो मेरे अगेंस्ट में आ गया, बट उन लोगों ने कभी ये नहीं बताया कि हमारे खुद के स्क्वाड में एक एम्युलेटर प्लेयर है, एंड वो एक इम्यूनेटर प्लेयर के साथ इसलिए खेलते थे, एंड आज भी ऐसे लोग इसलिए खेलते हैं ताकि उनको लगता है कि अगेंस्ट में मोबाइल वाले प्लेयर्स आएंगे, एंड जो हमारे टीम में इम्यूनेटर वाला प्लेयर है उसको एडवांटेज रहेगा, वो उनको इजीली मार देगा, हमारा रैंक पुश हो जाएगा, हमारा KD पुश हो जाएगा, हमारा रैंक पुश हो जाएगा, हमको चिकन डिनर मिल जाएगा. बट गाइस, वो लोग ये कभी नहीं सोचते कि तुम्हारे टीम में एक इम्यूनेटर प्लेयर है जिसके कारण अगेंस्ट में भी एक इम्यूनेटर प्लेयर आएगा. ठीक है, अगेंस्ट में भी आएगा, तो जो एडवांटेज आपके पास है वो एडवांटेज सामने वाले के पास भी है, एंड जब आपको सामने वाला बंदा मार देगा तब आप अपना स्टार्ट कर दोगे कि इम्यूनेटर वाले बंदे ने मेरे को मार दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया. लेकिन आप ये खुद नहीं बताओगे कि यार हमारे टीम में भी इम्यूनेटर वाला प्लेयर था. एंड गाइज, किसी ने ये प्रूफ नहीं दिया, जिन्होंने वीडियो बनाई किसी ने भी ये प्रूफ नहीं दिया कि देखो भाई, जिन लोगों ने वीडियो बनाई है उनके खुद के टीम में भी इम्यूनेटर वाला प्लेयर था. बस उनको सिर्फ दिखने लग गया कि यार हेट वीडियोस बना रहे हैं, हेट वीडियोस पे व्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि उनके खुद के चैनल पे जब वो गेम खेलते थे स्ट्रीम करते थे उनको खुद को व्यूज़ नहीं आते थे, तो उन्होंने देख लिया कि यार हेट वीडियोस बनाओ, हेट वीडियोस पे व्यूज़ आ रहे हैं, एंड ये सब चीज़ें हो रही है, प्रमोट हो रही है, हेट रेट प्रमोट कर रहे हैं बेसिकली. तो किसी ने भी लाइक ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन या प्रॉपर प्रूफ के साथ नहीं दिया. बट गाइस, मैं आपको एक प्रूफ दे रहा हूँ आज, अभी के अभी. तो आप बस ये क्लिप देखो जो मैंने एक्सप्लेन की है, जिसमें मैं खुद हूँ एंड ये जो मेरा हाइड्रा का मेंबर मोबाइल टीम का, ये मोबाइल प्लेयर है, एंड हम दोनों गाइस सेम टाइम पे फाइंड करेंगे गेम, सोलो मैच फाइंड करेंगे, एंड आप खुद देखो एक एम्युलेटर एक मोबाइल साथ में आते हैं या नहीं, ये आप खुद देखो. ठीक है, तो गाइस ये रहा वीडियो, आप देखो एंड आप खुद बताना मुझे कैसा लगा. ओके, हाँ, हमें सेम टाइम पे मैच फाइंड करना है, सोलो मैच. कुणाल के साथ बाद में करेंगे, 5 मिनट में करेंगे. कुणाल, आपका माइक बहुत ख़राब है. एक मिनट माइक बंद करना. ओके, चलो. हाँ चलो ठीक है, रेडी. मैं जब बोलूँगा 3 तब फाइंड करना है आपको. ओके, रेडी है? ओके चलो, 1 2 3 सोलो मैच फाइंड करना है. ओके, सोलो TPP रैंगल स्टार्ट हो गया ना? ओके, हाँ मतलब भाई, हाँ मैचिंग चल रही है. ठीक है ठीक है, एंटर हो गया मैच में. ओके, मुझे अभी 2 मिनट 50 सेकंड बता रहा है मैच में आ गए. ओके चलो, मैं कैंसिल कर रहा हूँ, बाहर आ जाओ. ऑलराइट, देख ली वीडियो? देख लिया? उस बंदे का 6 से 7 सेकंड में गेम स्टार्ट हो गया, एंड मुझे टाइम दिखा रहा था 1 मिनट से भी ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 2 मिनट टाइम मुझे दिखा रहा था. ठीक है, ऑलमोस्ट 2 मिनट टाइम मुझे दिखा रहा था. तो गाइज यही है, ये विद प्रूफ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि मोबाइल वाले प्लेयर्स कभी भी इम्यूनेटर वाले प्लेयर्स के अगेंस्ट में नहीं आते, अनलेस वो लोग खुद अपने टीम में एक इम्यूनेटर वाला बंदा घुसाड़ेंगे. ठीक है, तो ये तो गाइज जितने भी लोगों ने वीडियो बनाई थी अब तक, आप लोग को छूते बनाने के लिए कि मोबाइल वाले बंदे को मारता है इम्यूनेटर वाले बंदे, ऐसा वैसा, तो वो गाइज
अब आपके सामने प्रूफ है, मैंने रख दिया है, अब देख लो आपको जैसा लग सही लगता है, आप जो भी समझना चाहो, मैंने सब क्लियर कट आपको बता दिया है. ओके सो या गाइज ये था. एंड इसके बाद गाइज स्टार्ट हुआ सब कुछ, चीज़ें कॉन्ट्रोवर्सीज वगैरह हुई जो कि मैं मुझे कभी फ़र्क नहीं पड़ा था, ना आज पढ़ता है ना पहले पढ़ा, और मैं सिर्फ अपने काम में फोकस रखता हूँ. ठीक है. एंड गाइज जितने भी लोग हैं जो वीडियोस बनाते हैं, हेटरेट प्रमोट करते हैं इंडियन गेमिंग कम्युनिटी, ये सब चीज़ें सब चीज़ें करते हैं, तो मैं आपको चीज़ बता दूँ, उन लोगों के चैनल पे कभी भी व्यूज़ नहीं आते थे, उनके स्ट्रीम पे कभी व्यूज़ नहीं आते थे. उन लोगों ने सिर्फ एक चीज़ देख ली कि हेट वीडियो बनाओ, हेट प्रमोट करो, लोग देख रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स गेन हो रहे हैं, दूसरों का नाम लेके, दूसरों का नाम उछाल के कुछ चीज़ें हेट वीडियोज़ बना के. ठीक है. सो बस ये चीज़ें कर के उनको व्यूज़ आने लग गए, तो वो लोग यही करने लग गए. तो स्टिल मैं उन लोगों से भी हेट नहीं करता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों से, बिकॉज उन लोगों ने मुझे हेट देना स्टार्ट किया था 1 मिलियन पे. एंड उनकी हेट है ना गाइस, उनकी हेट बहुत कम है, बहुत छोटी है, बिकॉज आप लोग का प्यार इतना है ना कि आप लोग के प्यार ने मुझे 1 मिलियन से 2 मिलियन, 2 मिलियन से 3 मिलियन, 3 मिलियन से 4 मिलियन तक लगे खड़ा कर दिया. एंड स्टिल आप लोग इतना प्यार करते हो, सपोर्ट करते हो, तो हम लोग गाइस आज 4.3 मिलियन पे हैं. तो जितना बोलो गाइस, जितना भी बोलो थैंक यू, उतना कम है गाइस. बट स्टिल गाइस दिल से आप सभी इंसान, आप सभी बंदों का, जितने भी लोग चैनल पे जुड़े हुए, आप सभी है गाइस, दिल से शुक्रिया इतना प्यार दिखाने के लिए. और गाइस मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि काफ़ी लोग कहते रहते हैं पबजी मोबाइल वाई नो द गेम्स. सो देखो ऐसा नहीं कि मैंने बाकी गेम्स नहीं खेले, ठीक है, मैंने काफ़ी गेम्स खेले, मैंने काफ़ी स्ट्रीम भी करी है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मेरे चैनल पे विज़िट करोगे, मेरे चैनल पे क्लिक करो, वीडियोस में जाओ, वीडियोस पे राइट कॉर्नर पे एक आपको ऑप्शन आएगा सॉर्ट बाय का, जिसमें आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहले वीडियोस कब थी एंड सबसे लेटेस्ट वीडियोस कौन सी है. सो उसमें सबसे ओल्ड वीडियोस सबसे ओल्ड वीडियोस पे क्लिक करना, ठीक है. एंड वहाँ पे आपको दिखेगा कि मैंने कितने गेम्स खेले हैं, मैंने कितना पबजी पीसी खेला है, कितना सारा पबजी पीसी खेला है, एंड कितना लैग होता था फिर भी मैं खेलता था, वो सब चीज़ें आपको दिखेगी. उसके बाद GTA 5, रेनबो सिक्स सीज, डिसीट, पैलाडेंस, इवन फोर्टनाइट एक ऐसा गेम है जो मुझे आज तक खेलते नहीं आता, ये फैक्ट है, मुझे आज तक फोर्टनाइट खेलते नहीं आता. मुझे उसके सारे मैकेनिक्स पता है, मुझे सब कुछ पता है कि वो गेम कैसे वर्क करती है, उस गेम में क्या क्या चीज़ें हैं, उस गेम में कैसे वो गेम कैसे खेला जाता है, मुझे बेसिक नॉलेज है. ठीक है, बेसिक नॉलेज, ऐसा नहीं कि जो नॉलेज पूरे प्रो को होता है, बट एक बेसिक नॉलेज मुझे है उस गेम के बारे में. बट स्टिल वो गेम मुझे नहीं आती, बट स्टिल मैंने वो गेम स्ट्रीम की है मेरे यूट्यूब चैनल पे. आप चाहो तो आपको मिलेगी वो, दो या तीन वीडियोस हैं जिसमें मैंने बहुत सारे मैचेस खेले हैं, वो आप चाहो तो देख सकते हो. उसमें आप लिटरली देखो कि मैं कितने बार मरता हूँ, इवन मैं जीता भी हूँ, जो कि सिर्फ मेरे फ्रेंड्स की बदौलत जो खेल रहे थे मेरे साथ, उसमें मैंने हार्डली कुछ किल्स किए होंगे, बट ये पूरा क्रेडिट्स उन लोग को है जिन्होंने वो गेम जिताया था. ठीक है. सो ऐसा नहीं कि मैंने काफ़ी सारे गेम्स नहीं खेले, इवन लेटेस्ट अगर एग्जांपल दो तो मैंने बीच में एपेक्स लेजेंड खेला था. ठीक है. वो स्ट्रीम पे अगर आप में से जो ये वीडियो देख रहा है, अगर वो स्ट्रीम पे आप में से कोई भी अगर वो स्ट्रीम देख रहा होगा उस दिन जो था शाम में स्ट्रीम, तो आप लोग को मालूम होगा कि वो स्ट्रीम मैंने स्टार्ट की थी कुछ 7:30 या 7 o'clock के आसपास इवनिंग में, एंड वो स्ट्रीम मैंने एंड करी थी 12 बजे. सो ऑलमोस्ट वो स्ट्रीम मैंने कम से कम 4 से 5 घंटे मैंने वो स्ट्रीम करी है. ठीक है. एंड 4 से 5 घंटे मैंने वो गेम खेला है. ठीक है. जिसमें मेरे साथ खेलने वाला था, मेरे ख्याल से न्यूक्लिया था, एम्परर या न्यूक्लिया में से कोई एक था, और एक बंदा था जिसका नाम अब मुझे याद नहीं है, बट आई थिंक वो बंदा कह रहा था कि वो बंदा भी इंडिया के टॉप प्लेयर्स में से एक है. सो वेरी सॉरी, मुझे नाम नहीं याद है, मेरी ये बीमारी है जो कि आप पता ही हो कि मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूँ चीज़ें, सो मुझे याद नहीं है. तो हाँ, तो गाइज वो स्ट्रीम पे क्या हुआ ना कि मैंने 7 बजे स्ट्रीम स्टार्ट किया. ठीक है. 7 बजे मेरी स्ट्रीम स्टार्ट हुई, 8 बजे ख़त्म हो गई. ख़त्म हो गई इन द सेंस मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया, स्ट्रीम एंड हो गई. मैं खेले जा रहा हूँ, स्ट्रीम बंद, राइट साइड मॉनिटर पे देखा तो चैट सब ऑफलाइन स्पैम हो रहा है. मेरा इंटरनेट इतना ख़राब था उस दिन, इतना ख़राब था कि मतलब वो चीज़ मेरे लिए एक नाइटमेयर के जैसी थी, बहुत ख़राब थी मेरे लिए वो चीज़ मेरे लिए. एक्चुअली किसी भी स्ट्रीमर्स के लिए अगर वो स्ट्रीम कर रहा है एंड कुछ नई चीज़ें ट्राई कर रहा है, पूरे डेडिकेशन के साथ कर रहा है, एंड अगर नेट ही साथ नहीं दे रहा है, तो यार वो चीज़ एक स्ट्रीमर के लिए बहुत बेकार होती है. ठीक है. सो मैंने वो स्ट्रीम की, 7 बजे स्टार्ट की, 8 बजे नेट ख़राब हुआ, स्ट्रीम ऑटोमेटिकली बंद हो गई.
अगेन मैंने वो स्ट्रीम स्टार्ट की, 8 बजे स्टार्ट की, 9 बजे फिर बंद हो गया, 9:30 बजे फिर बंद हो गया, अगेन मैंने स्ट्रीम स्टार्ट की, 10:30 बजे फिर बंद हो गया, अगेन स्टार्ट की, 11:30 बजे फिर बंद हुआ, अगेन स्टार्ट की, एंड ऐसे करते करते गाइस वो स्ट्रीम मैंने 12:30, 1 बजे तक खींची है, आई थिंक 1 बजे मुझे याद नहीं बट 12:30 तक मुझे याद है, तो वहाँ तक मैंने खींची है। सो मेन रीज़न जो लोग कह रहे थे कि दूसरे गेम में तेरी वॉचिंग 3,000 आ रही थी, मेन रीज़न यही है, जब पहली स्ट्रीम स्टार्ट हुई ना उस गेम में हाईएस्ट वॉचिंग 17,000 आ रही थी, ठीक है, एंड वो 17,000 वॉचिंग कॉन्स्टेंट थी, उसमें से मैं गेम हारूँ जीतूँ मरूँ कुछ भी करूँ वो 17,000 के 17,000 हार्डली 15,000 हो रहे थे एंड मैक्स टू मैक्स 18,000 तक जा रहे थे, वो कॉन्स्टेंट थी। लेकिन जब वो स्ट्रीम ख़त्म हुई 1 घंटे वाली, जब 7 से 8 बजे की स्ट्रीम जब एक बार बंद हो गई तो वॉचिंग गिरना स्टार्ट हो गई, इवेंचुअली वॉचिंग गिरते 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 3,000 तक आ गई। ऑब्वियसली लोग को लग रहा है कि यार क्या क्या बंदा बार बार आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ऑनलाइन हो रहा है ऑफलाइन हो रहा है, एंड ऑब्वियसली अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप एक मूवी देखने जा रहे हो थिएटर पे एंड उस मूवी में अगर 3 घंटे से ज़्यादा, 3 घंटे की अगर मूवी एंड उस मूवी में अगर 2 घंटा तो ब्रेक ही है तो आप कितना बोर हो जाओगे, राइट? आप एक मूवी देख रहे हो, कुछ इंटेंस मोमेंट हो रही है, ब्रेक आ गया, फिर आप फिर ब्रेक ख़त्म हुआ, फिर इंटेंस मोमेंट या कुछ भी चीज़ें, कुछ फॉर एग्जाम्पल रोमांटिक चीज़ें दिखा रही है एंड फिर बीच में ब्रेक आ गया, सो ऑब्वियसली आप लोग का भी लाइक दिमाग फक हो जाएगा उस टाइम पे कि यार क्या यार इतनी अच्छी मूवी देखने, एंड बार बार लाइक 3 घंटे में 2 घंटे तो साला ऐड ही आ रही है, तो ऑब्वियसली आपको तो बुरा लगेगा ही ना एंड आप बोर भी हो जाओगे। तो गाइज उस टाइम पे 17,000 में से बहुत सारे बंदे, बहुत मतलब बहुत सारे बंदे सिर्फ और सिर्फ पबजी स्पैम कर रहे थे एंड इतना स्पैम कर रहे थे मैं पाँचों घंटे में एक ही चीज़ बोल के थक गया था कि यार मॉर्निंग में मैंने पबजी मोबाइल खेला है, इवनिंग में मैं कुछ अलग स्ट्रीम करना चाहता हूँ तो प्लीज़ हम एपेक्स खेलते हैं बिकॉज ये गेम मोबाइल में भी आने वाला है, तो अगर आप लोग ये गेम देखोगे, इस गेम के बारे में अगर आप सीखोगे तो ये फ़ायदे की चीज़ आपके लिए ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये गेम कल चल के अगर मोबाइल में लॉन्च होता है एंड आपने मेरी ये गेम की स्ट्रीम अगर आपने मेरे चैनल पे देखी तो आपको एक आइडिया रहेगा, आपको एक बेसिक नॉलेज रहेगा कि इस गेम में होता क्या है, इस गेम में खेला कैसे जाता है, इस गेम में कौन सी गन्स है, इस गेम में कौन सी अच्छी गन्स है, फॉर एग्जांपल विंगमैन, ये सब चीज़ें जो ये सब जो गन्स है, ठीक है, देन ऐसे कुछ गन्स हैं जो काफ़ी अच्छे, जैसे कि एक स्नाइपर है जो मुझे बहुत पसंद है एपेक्स में, जिसका नाम है क्रेवर, अब मुझे उसका नाम भी अच्छे से नहीं याद है बट हाँ क्रेवर ऐसा कुछ भी नाम है उसका। तो फॉर एग्जांपल ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको ऑलरेडी पता रहेगी जब आप ये गेम मोबाइल पे खेलोगे, ठीक है, तो ये चीज़ आप ही लोगों के लिए एडवांटेज की चीज़ थी एंड मैं ये चीज़ बोल बोल के थक गया था बट स्टिल कोई सुनने को तैयार नहीं था, सब लोग पबजी स्पैम कर रहे थे। एंड गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप एक स्ट्रीमर हो एंड अगर आप एक पूरे दिल के साथ एक गेम प्ले स्ट्रीम करना चाहते हो एंड अगर आपकी ऑडियंस ही आपको डीमोटिवेट कर रही है ना उस टाइम पे चैट में, तो आपका माइंड ना अच्छे से काम नहीं करता है। एक तो पहले ही आपके साथ इंटरनेट फकअप कर रहा है, ठीक है, दूसरी चीज़ आप मोटिवेट नहीं हो पा रहे हो बिकॉज आप पूरा स्ट्रीम करना चाहते हो, आपने बहुत जल्दी स्ट्रीम स्टार्ट किया, ये सोचे कि यार आज तो मैं सिर्फ एपेक्स खेलूंगा एंड आज कम से कम 3-4 घंटा एपेक्स खेलूंगा एंड खुद का भी गेम प्ले इंप्रूव करूंगा प्लस कोशिश करूंगा कि आप लोग को भी कुछ सिखा सकूं इस गेम से, मतलब ऑब्वियसली मैं प्रो नहीं हूं बट जो भी आप अगर 1% भी उस गेम से कुछ सीख पाओ, जैसे कि ये गेम है कैसा, इस गेम में कौन सी गन अच्छी है, ऐसी कुछ बेसिक चीज़ें, तो ये सब मेरे माइंडसेट था एंड वो टाइम वो दिन बहुत ख़राब था मेरे लिए, टाइम भी साथ नहीं दे रहा था एंड इवन इंटरनेट, एंड उसके ऊपर जब मैं चैट पढ़ने की कोशिश करता था तो उसमें मुझे सिर्फ एक ही वर्ड दिखता था, पबजी। एंड इवन जो लोग ये तक स्पैम कर रहे थे कि अगर तू पबजी अभी के अभी नहीं चलाएगा तो अनसब्सक्राइब मार दूंगा, डिसलाइक मार दूंगा, तो यार गाइज ये सब चीज़ें ना बहुत डीमोटिवेट करती है एक स्ट्रीमर को, ठीक है। सो उसके बाद भी गाइज मैंने वो चीज़ें नज़रअंदाज की, मैंने वो चीज़ें बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दिया, अगर मैं चाहता तो वो 7 से 8 घंटे जो स्ट्रीम मेरी बंद हुई, अगर मैं चाहता तो 1 घंटा स्ट्रीम करके मैं तुरंत पबजी मोबाइल स्टार्ट कर देता, मुझे व्यूवर्स भी आ जाते, मुझे वॉचिंग भी आ जाती, मुझे सब कुछ आ जाता, ठीक है। इवन अगर मेरी स्ट्रीम अगर वापस डिस्कनेक्ट होती उसके बाद भी अगर मैं करता ना तब भी मुझे व्यूवर्स आते, ये मैं जानता हूँ, बट मैंने वो चीज़ चूज़ नहीं की, मैंने ये चीज़ चूज़ की कि यार नहीं आज एपेक्स है तो एपेक्स ही खेलूँगा आज। वो चीज़ वो दिन गाइस मैंने 7 से लेकर 12 बजे तक मैंने एपेक्स ही एपेक्स खेला है, इतने लाइक डिफ़िकल्टीज़ होने के बावजूद भी, इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी, इतना सब कुछ लाइक डीमोटिवेट होने के बाद भी मैंने सिर्फ एपेक्स की स्ट्रीम की है। तो ये कुछ चीज़ें गाइस देखो, मैं ऐसा नहीं कि मैं कोशिश नहीं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ बट कुछ चीज़ें आप खुद ही देख लो यार, कुछ चीज़ें होती है जो बहुत गंदी तरीके से डीमोटिवेट करती है। तो बस ये मुझे एक क्लैरिफाई करना था बिकॉज काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि यार बहुत तेरे जो दूसरे गेम है उसमें तेरी 3,000 वॉचिंग आ रही थी, तो बस यही चीज़ मुझे क्लैरिफाई करनी थी। एंड गाइज मैंने ऑलरेडी मोबाइल पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है,
बट द थिंग इज मेरे पास अभी है आईफोन, एंड आप तो जानते ही हो कि आईफोन की बैटरी इशू कितने होते हैं, है ना. एंड दूसरी चीज़ ये है कि जब मैं वो गेम खेलता हूँ मोबाइल वाला, मोबाइल पे जब मैं गेम खेलता हूँ तो मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ फोर फिंगर क्लॉ, ठीक है. मैं एनएमए अभी जैरो भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ. तो सबसे बड़ा इशू मेरे लिए ये हो रहा है कि मेरी फिंगर्स जो है ना, मेरी फिंगर्स बहुत लंबी है. मेरा जो हाथ है, मेरा जो मतलब जो मेरा हैंड का साइज़ है वो बहुत लंबा है, एंड उसकी फिंगर्स, मेरी फिंगर्स बहुत बड़ी है. तो जब मैं फोर फिंगर ट्राई करता हूँ ना तो पूरी स्क्रीन जो है ना वो मेरे फिंगर्स ही छुप जाती है. तो मैं कुछ देख ही नहीं पाता हूँ. तो मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थंब से खेलने की स्टार्ट करूँ. एंड सेकेंड चीज़ ये कि जायरो, मुझे जायरो के बारे में लाइक 0% नॉलेज है. मुझे बेसिक नॉलेज है, मुझे पता है जायरो क्या है, बट उसको सेट कैसे करते हैं, मेरे लिए कौन सा एकदम परफेक्ट जायरो होगा, मैं कैसे उस चीज़ पे अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाऊँगा मेरे गेम प्ले के ऊपर, एंड वो कैसे मेरे एडवांटेज में काम आएगा, वो चीज़ मैं अभी फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ. बट स्टिल सोने से पहले हर दिन जब मैं स्ट्रीम ख़त्म करता हूँ, रात को सोने से पहले मैं मोबाइल पर एक वॉर मोड खेलता हूँ, ठीक है. मेरे पास कुछ सेटिंग्स है मेरे फ़ोन की जो मैंने अप्लाई करके रखी है, जो कि बहुत मेस्टअप तरीके से. मैं आज भी कोशिश करता हूँ कि यार एटलीस्ट कुछ एक सेटिंग्स मैं ट्राई करूँ एंड वो मेरे लिए वर्क कर जाए, तो वो मेरे से नहीं हो पा रहा है. बट स्टिल मैं कोशिश कर रहा हूँ. एंड गाइस, इन फ्यूचर बहुत कुछ चीज़ें आ सकती है चैनल पे, बहुत अच्छी चीज़ें. सो आई एम ट्राइंग यार, आई एम ट्राइंग, लेट्स सी. जस्ट नीड योर सपोर्ट गाइस. मैं कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें चैनल पे लाने वाला हूँ. ऑब्वियसली आपको तो हिंट मिली गई होगी, बट हाँ, आने वाली है. सो गाइस, इन दी एंड, ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक ही मैसेज दूंगा. जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग वीडियोस बनाते हैं, हेट वीडियोस बनाते हैं, प्रमोट करते हैं IGC, इंडियन गेमिंग कम्युनिटी, ये सुना करते हैं, एंड उनके वीडियोस देख के जो बंदे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जो बंदे बाकी स्ट्रीमर्स हैं, बाकी पबजी मोबाइल के स्ट्रीमर्स हैं, उनके चैनल पर जाके हेट फैलाते हैं, डिसलाइक करते हैं, मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा गाइस, आप खुद है ना ट्राई करो. आप उनके वीडियोज़ देखना छोड़ दो, ठीक है. आप उनकी वीडियोस पे अगर डिसलाइक मारो, आप उनके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, आप खुद ट्राई करो, आप खुद प्रैक्टिस करो. अभी जैसे फॉर एग्जांपल पबजी चल रहा है, ठीक है, आप खुद गाइस बहुत प्रैक्टिस करो. ये हेट वीडियोस देखने से अच्छा, हेटेड फैलाने से अच्छा, कुछ नहीं करने से अच्छा गाइस, आप खुद ही इतना प्रैक्टिस करो गाइस कि हो सकता है कि आप नेक्स्ट PMCO में आ जाओ. हो सकता है आपकी प्रैक्टिस बहुत बहुत सफल हो जाए, बहुत रंग लाए आपके लिए, एंड हो सकता है कि आप नेक्स्ट PMCO में आ जाओ, नेक्स्ट PMIS में आ जाओ, नेक्स्ट PMSC में आपका स्क्वाड रहे. दिल से मेरी दुआ आप सभी लोगों के लिए गाइज कि ऐसा हो. तो गाइज, आप खुद सोचो, फॉर एग्जांपल उन लोगों की वीडियोस देख के हज़ार बंदे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो हज़ार बंदे हेट फैला रहे हैं, ठीक है, कम्युनिटी में. तो इससे कम्युनिटी नहीं बढ़ रही है, बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है. ना वो बढ़ा रहे हैं, ना आप लोग बढ़ा रहे हो, बिल्कुल नहीं बढ़ रही है, ठीक है. सो अगर वो हज़ार बंदे देख रहे हो वीडियो, तो गाइज वो हज़ार बंदे ही उनके चैनल पर जाकर डिसलाइक मारो, उनके वीडियो को डिसलाइक मारो. एंड गाइज, वो हज़ार बंदे ही खुद अपना फ़ोन उठाओ, आप खुद गेम खेलो, बहुत प्रैक्टिस करो. आपको खुद मालूम पड़ेगा कितनी मेहनत लगती है, कितना टाइम कंज्यूम करना पड़ता है इन सब चीज़ों में, कितना टाइम देना पड़ता है, लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितने रात रात बस स्ट्रीम करते हैं, कैसे कैसे करते हैं तब जाके ये मुकाम तक पहुँचते हैं. तो गाइज़, वो हज़ार बंदे आप खुद ट्राई करो, ठीक है. क्या पता उस हज़ार बंदों में से 100 बंदे बहुत आगे निकल जाएँ, है ना. क्या पता वो हज़ार बंदों में से 100 बंदे बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर ले. हो सकता है उनका एक अच्छा यूट्यूब चैनल बन जाए, हो सकता है आप अपना कॉन्टेंट अच्छा प्रोवाइड कर सको. एंड क्या पता गाइज़, वो 100 बंदों में से उन 50 बंदों की टीम बन जाए जो शायद इंडिया को रिप्रेजेंट भी करें, है ना. शायद हो सकता है उन 50 में से वो 10 बंदों की टीम बन जाए जो इंडिया के लिए खेले, रिप्रेजेंट करें PMCO में, PMSC में. तो गाइज, आप ये चीज़ें कर सकते हो. हेट फैलाने से अच्छा गाइज आप खुद ट्राई करो, खुद कोशिश करो. एंड गाइज, आप सभी के लिए मेरे दिल से पूरी दुआ है कि आप ये चीज़ें करो एंड आप आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, लाइक कुछ करो. एंड रही बात मेरी, तो गाइज मैंने स्ट्रीम करना स्टार्ट किया था कुछ और रीज़न से पहले, ठीक है. पहले मेरा कुछ और मकसद था, मेरे कुछ और एम्बिशंस थे, कुछ और ड्रीम्स थे. बट गाइज, आज मेरे कुछ और एम्बिशंस हैं, कुछ और ड्रीम्स हैं. एंड आज गाइज मेरा एक ही मकसद है, ठीक है. मैं उन लोगों के लिए स्ट्रीम करता हूँ जिन लोगों को मेरी स्ट्रीम देख के उनके चेहरे पे एक स्माइल आती है. जो लोग अपनी दिन भर की थकान मिटा के, जो लोग अपने दिन भर का ऑफिस का गुस्सा, ऑफिस का काम, स्कूल का, कॉलेज का, क्लासेस का, लाइक दिन भर पढ़ाई कर करके जो थक जाते हैं, जो रात में चैन की नींद लेना चाहते हैं, बस गाइज उन लोग के लिए मैं स्ट्रीम करता हूँ. बिकॉज मुझे ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि यार मैं दिन भर और ऑफिस में था, बहुत थक गया था, एंड बस रात को घर आके मैं आपकी स्ट्रीम देख रहा हूँ, मुझे एक आराम से नींद आई है, बहुत रिलैक्स फील हो रहा है. तो गाइज देखो, लाइफ में सभी की प्रॉब्लम्स हैं,
मेरे खुद की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है। तो गाइज़ उन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं गेम खेलता हूँ, मैं स्ट्रीम करता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। मैं अपना दिन का 8-8, 10-10 घंटा स्ट्रीम पे देता हूँ। उस ये नहीं कि ये मुझे स्ट्रीम करना है, बिकॉज मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, ये भी एक रीज़न है कि मैं उन लाइफ से भागता हूँ, सॉरी उन प्रॉब्लम से भागता हूँ एंड पूरा का पूरा ध्यान स्ट्रीम पे देता हूँ। तो गाइज़ मेरी तरह ऐसे बहुत से लोग हैं, हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकता है आपकी लाइफ में बॉस का टेंशन हो सकता है आपकी लाइफ में आपके लाइक फैमिली का टेंशन हो, कुछ भी हो, किसी के लाइफ में गर्लफ्रेंड का टेंशन, किसी के लाइफ में बॉयफ्रेंड का टेंशन, किसी के लाइफ में रिलेशनशिप का टेंशन, किसी के लाइफ में जॉब का टेंशन, किसी के पापा ने शायद मार दिया, किसी की मॉम ने डांट दिया, कुछ हो गया, मतलब। तो गाइस ऐसे जो लोग हैं ना, जब ऐसे लोग जब अपनी लाइफ से थोड़े परेशान रहते हैं, थोड़े सैड रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, है ना, थक जाते हैं बेसिकली दिन भर काम करके, पढ़ाई करके, दिन भर जो पढ़ाई करते रहते हैं आईआईटी ये सब चीज़ों के लिए, मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो गाइस जब वो रात में जब आराम से जब स्ट्रीम देखते हैं ना मेरी, एंड जब वो मुझे मैसेज करते हैं ना कि यार आपने ये अच्छा खेला, ये बहुत फ़नी चीज़ें हो गई थी, ये बहुत हंसी आई थी इस मोमेंट पे, फेक डायनामो जो मैंने कॉन्टेंट एक कॉन्सेप्ट निकाला था जो बहुत पॉपुलर हो गया था पूरे इंडिया में, काफ़ी लोगों ने पहचानना स्टार्ट कर दिया था, तो गाइस वो भी कॉन्सेप्ट था मेरा। तो ये चीज़ें गाइस मैं करता हूँ, जब वो लोग देख के जब स्माइल करते हैं ना गाइस, तो वो जो स्माइल होती है ना, वो स्माइल उनको उनके पूरे दिन की थकान मिटा देती है, उनके पूरे दिन की जो थकावट है, उनके पूरे दिन की जो स्ट्रेस है वो गायब कर देती है। तो गाइस बस वो चीज़ के लिए मैं स्ट्रीम करता हूँ एंड वही मेरा मकसद है आज की तारीख में, एंड वही चीज़ मैं आगे लेके जाऊंगा। एंड गाइस एक और चीज़ रही बात इंडियन गेमिंग कम्युनिटी की, तो आपको पता ही है मेरी हाइड्रा है, एंड हाइड्रा में इतने सारे बंदे हैं जो मोबाइल से खेलते हैं। एंड गाइस अभी PMCO हुआ था, PMCO में इंडिया के हज़ारों स्क्वाड ने अप्लाई किया था, हज़ारों लोगों ने खेला था उसमें, एंड उन हज़ारों स्क्वाड में से गाइस टॉप 1000 स्क्वाड गया, टॉप 1000 में से टॉप 500, देन टॉप 100, देन टॉप 50, टॉप 32, टॉप 16, एंड गाइस उन टॉप 16 में से एक इंडियन प्लेटफॉर्म पे, मतलब ऑनलाइन फुल सॉरी ऑनलाइन लैन इवेंट में इंडिया के लिए जो जो बाहर जाने वाली थी, जैसे टॉप 3 जो टीम जीती अभी, तो गाइस उसमें अपनी टॉप 10th में 9th पोजिशन पर अपनी हाइड्रा आई है। सो गाइस बहुत अच्छा खेलते हैं बंदे, बहुत बहुत ही एम्बिशियस है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत बहुत अच्छा उनका पहला एक्सपीरियंस लैन इवेंट का था, पहली बार वो खेल रहे थे तो थोड़े बहुत डर भी गए थे, काफ़ी अच्छी टीम थी अगेंस्ट में। एंड गाइस मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है इस बात का कि मेरी टीम हार गई, मुझे इस बात खुशी है कि उनको एक्सपीरियंस हुआ। एंड गाइस आगे ऐसी बहुत सी टीमें आने वाली हाइड्रा के लिए जो कम्युनिटी के लिए खेलने वाली है, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली है, ओके। सो ऐसी बहुत सी टीमें आने वाली, बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं, बहुत लोग अपना टाइम देते हैं। एंड गाइस जो अभी 3 टीमें जीती है यार बहुत अच्छा खेले, मेरे दिल में उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। एंड जो भी हो रहा है गाइस इन दी एंड इंडिया के लिए हो रहा है, जो भी हो रहा है इन दी एंड इंडिया के लिए हो रहा है, ये लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, वहाँ पे बर्लिन में इंडिया का फ्लैग रहेगा, एक छोटा सा बड़ा सा जो भी रहेगा। तो गाइस ये देखो कि हेट फैलाने से बेटर है आप खुद प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि आप खुद वहाँ पे बैठे रहो इंडिया के लिए, है ना। तो गाइस मेरा बस यही मकसद है इस वीडियो से कि आप इस वीडियो को थोड़ा एज अ मोटिवेशन ले सकते हो। आपको मैंने जर्नी बता दी, आपको मैंने मेरे बारे में बता दिया। बेसिकली ये वीडियो गाइस आने वाला था 10,000 सब्सक्राइबर्स पे, बट कभी टाइम ही नहीं मिल पाया। एंड गाइस आज टाइम हो रहा है, आज की डेट है 23rd of June, टाइम है 3:23 रात के 3:30 मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ गाइस। जैसे कि आप देख सकते हो मैं दिन में स्ट्रीम करता हूँ, रात में स्ट्रीम करता हूँ, टाइम ही नहीं मिलता रिकॉर्ड करने के लिए। सो गाइस सोचा कि नींद नहीं आती कुछ रिकॉर्ड कर लेते, कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर लेते जो कि बहुत बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो गाइस यही था मेरा जो वीडियो मैंने प्रॉमिस किया था 10,000 सब्सक्राइबर्स पे, जो कि मैं रिलीज़ कर रहा हूँ 4 मिलियन पे। तो गाइस उसके लिए दिल से सॉरी। एंड गाइस मैं मानता हूँ कि जिस चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, जिस चैनल को आप डायनामो के नाम से जानते हो, तो मेरा फ़र्ज़ है आपको असलियत बताना, मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना कि डायनामो गेमिंग के पीछे रियल में कौन इंसान है, वो कैसा है, उसने कैसे इतनी स्ट्रगल की है, उसने कैसे यहाँ तक आया है, उसने कैसे इतनी मेहनत की है। सो गाइस मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो उन सभी को शेयर करो जो लोग कुछ करना चाहते हैं यूट्यूब पे, जो जिन लोग का नया नया चैनल है, जो लोग कुछ बनना चाहते हैं, जो लोग लाइक कुछ भी करना चाहते हो, जिनका नया चैनल है या जो भी है, आप उन पर शेयर करो ये वीडियो। उनको बताओ कि देखो यार इस बंदे ने भी 2010 में स्टार्ट किया था, 2017 में जाके स्ट्रीम करना स्टार्ट किया, रात रात भर लगता था वीडियो अपलोड करने के लिए, तब भी मैं वीडियो अपलोड करता था, सब चीज़ें गाइस सब चीज़ें आप उनको बताओ, ये वीडियो देखो। एंड गाइस ज़रूर अगर आपको अच्छा लगा ज़रूर शेयर करना। एंड गाइस एक और चीज़, हेट वीडियोज़ देख के आप काफ़ी लोग को जाके गालियाँ देते हो, डिसलाइक करते हो,
तो गाइस ये वीडियो देख के अगर आपके दिल में से मैंने 1% भी हेट अगर कम कर दी होगी तो प्लीज़ लाइक करना। एंड अगर आप कभी भी डिसलाइक मारते हो किसी वीडियो पे जाके गाइस, भले वो मेरी हो किसी और की भी हो, तो अब से बस एक चीज़ ट्राई करना गाइस, भले एक दिन के लिए करो, बस एक चीज़ ट्राई करो, वीडियो पे लाइक मारो, डिसलाइक मत करो, वीडियो पे लाइक मारो। एंड बताना मुझे चैट में कि आप पहले डिसलाइक करते थे या लाइक करते थे, एंड अगर आप डिसलाइक करते थे तो गाइस आज लाइक करो एंड कुछ अच्छा कमेंट करो, कुछ अच्छा मतलब कुछ भी अच्छा, जैसे मोटिवेट करो क्रिएटर को, है ना, मोटिवेट करो, कुछ अच्छी चीज़ें बोलो, कुछ अपने बारे में बताओ। हो सकता है कि आपका वो लाइक देख के, हो सकता है कि आपका वो अच्छा कमेंट देख के किसी के फेस पे स्माइल आ जाए, किसी के क्या, मेरे फेस पे स्माइल आ जाए, है ना। तो कुछ नहीं यार, देखो इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको मैं पसंद हूँ, जिनके लिए मैं स्ट्रीम करता हूँ, जैसे कि आपने बताया कि जो बहुत दिन भर बिजी रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, उन सबके लिए मैं स्ट्रीम करता हूँ, तो वो सभी लोग मुझे पसंद करते हैं। एंड गाइस यही एक रीज़न है कि आज चैनल इतना बड़ा है, इतना आप सभी के प्यार सपोर्ट के कारण, मेरी थोड़ी सी मेहनत और भगवान की इतनी सारी कृपा के कारण चैनल है। तो गाइस इन सभी लोगों के लिए मैं रेगुलर स्ट्रीम करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कल आंधी तूफान आ जाए, जब तक कि नेट है जब तक ही मैं स्ट्रीम करूँगा गाइस। भले ही नेट कटेगा मैं फिर स्ट्रीम करूँगा जब भी नेट आ जाएगा, बट मैं स्ट्रीम करूँगा गाइस। तो बस मेरा एक ही मकसद है गाइस कि आप लोग यार प्यार बांटो, प्यार से पूरी दुनिया जीती जाती है, लेकिन हेट से कुछ नहीं होगा गाइस, हेट से आप कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे, कभी भी नहीं आगे बढ़ोगे गाइस, बस वही है, नफरत करते रहोगे, जलोगे, नफरत करोगे, कभी आगे नहीं बढ़ोगे गाइस। तो बस वही मेरा मोटिव है गाइस कि आप प्यार बांटो यार, लाइक करो, प्यार बांटो, कुछ अच्छा कमेंट करो, एंड कोशिश करो, मेहनत करो, अपने ऊपर मेहनत करो, एंड खुद का चैनल बना लो। हो सकता है आपका चैनल बहुत बढ़ जाए, हो सकता है आप इतनी प्रैक्टिस करो कि आप नेक्स्ट PMCO खेल पाओ। तो गाइस मेरी पूरी दुआ आप सभी के साथ है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग मेरी आवाज़ सुन सकते हैं, मेरी पूरी का इस पूरी की पूरी दुआ आप सभी के साथ है, मेरा पूरा लक आपके साथ है कि आप कुछ अच्छा करो एंड आपका भी अच्छा हो जाए बेसिकली, है ना। एंड गाइस इन द एंड जब कुछ अच्छा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल उस 1000 में से जब वो 10 बंदों की भी टीम बन जाएगी, जब वो 10 बंदे भी बहुत अच्छे हो जाएंगे प्रैक्टिस कर करके, तो गाइस वो 10 बंदे इन द एंड इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, इंडिया के लिए ही खेलेंगे। तो गाइस ऐसे आप जाके एक कम्युनिटी आगे बढ़ा सकते हो, है ना। तो गाइस यही मेरा मकसद था, एंड सॉरी अगर मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी होगी, मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं था किसी को बुरा बोलना, किसी को बुरा फील करवाना, सॉरी गाइस, दिल से सॉरी। यही है आपका डायनामो आदि सावंत, एंड मिलते हैं अगली स्ट्रीम पे। ज़रूर बताना कि आपने लाइक किया नहीं किया, अगर आप हमेशा डिसलाइक करते हो आके, तो क्या आपके दिल में जो नफरत है, आपके दिल में जो हेट है, वो मैंने थोड़ी सी कम कर पाया होगा। इनकेस अगर कम की है थोड़ी सी भी, तो गाइस बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। एंड मैं चाहता हूँ कि आप कुछ अच्छा कमेंट करो, कुछ लाइक करो, अच्छा कमेंट करो, मुझे बताओ आपके बारे में, कुछ अच्छा बोलो, मोटिवेट करो, ताकि बेसिकली स्माइल स्प्रेड करो यार, हर जगह हैप्पीनेस स्प्रेड करो, दैट्स इट, यही मेरा मोटिव है। सो यार गाइस मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम पे, नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हास्ता ला विस्ता, सायोनारा, आई लव यू गाइस।